सुदर्शन चक्र की जय। अब परिक्रमा होगी चार तुलसी जी की, भगवान जी की। Yeah.
कार्यों की सभी बात हमारी जुड़ी है जय Thank you.
वैष्णवे
संकीर्तन कतरो कमला हरदंसो विश्वमरो जगरो युगलहर पंपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपी सर्वभूतानंत श्री राधा कांचन गौरवी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुतदेवी प्रणमामि हरि वृंदावन तुलसीदेवी प्रियाहरि केशव सज कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवती तमादि देवं करुणा निदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भारतम् यं प्रवजन्त मनुपेतमपेत कृतम् द्वैपायन विरवकातर भाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेतु स्तं सर्वभूतहृदय महिमान तस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सर्वदा हाथ जोड़ो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जोर से बोलो हरे कृष्ण Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sarvatham Mai Guru Pad Padma Nitalila Pravishna Vishnu Pada Shrotan Chata Sri 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 Mad Bhakti Sri Rup Siddhanti Goswami Maharaj Ki Charna Kamalam अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री माधुभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजन श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री समकालीनों ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न किया था। प्रश्न कौन किया था? बोले ये समकालीन ऋषि कहते ये बड़े बड़े ब्राह्मण लोग लेकिन ये प्रश्न कर रहे कहते प्रश्न प्रश्न कहते ये प्रश्न किसको कर रहे थे? बोले श्री सुत गोस्वामी को प्रश्न कर रहे थे। सुत मतलब होता ही जो रथ चलाने वाले, ये साधारण जाति के हैं लेकिन ये सौनकादि ऋषि लोग बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि लोग हैं लेकिन एक छोटे जाति व्यक्ति को बड़े बड़े ब्राह्मण लोग को प्रश्न कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है भगवान की भक्ति में कितना जात पात कुछ ना कोई, हरि का भजा सो हरि का हो। भगवान की भक्ति में जात पात का कोई विचार नहीं। कहते जो भजन करता है वे बड़े हैं, भले ही जितने बड़े कुल में जन्म क्यों नहीं हो, अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं फिर हमारे तो कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते राक्षस कुल में जन्म हुए, हनुमान जी बंदर जाति में जन्म हुए, विभीषण ये भी बंदर कुल में आए, विभीषण राक्षस कुल में आए, सुग्रीव ये भी बंदर जात में आए, गुहा चंडाल कुल में आए। इसलिए भगवान की भक्ति में जो भजन करता है उसका ही विशेष महत्व है। इसलिए उन्होंने छह प्रश्न किया था
छह प्रश्न का पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न क्या था बोलो? आत्मा को शांति कैसे मिलेगा? दूसरी प्रश्न, चुप सो, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? इसलिए कल हम ये दोनों प्रश्न का उत्तर सुने थे। पहले कलयुग में अगर कोई भगवान को पाना चाहता है, भगवान सबसे सरल उपाय रखे, बोले कलयुग में कोई ज्यादा कोई कष्ट करने का जरूरत नहीं, हाथों में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम जप कर, बस इतने से ही तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगा हैं। इसलिए सबके सब एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। इसलिए भागवत में श्री नव जोगेंद्र कहते, श्री नेमी महाराज नव जोगेंद्र को एक प्रश्न किया था, उनने तो नौ प्रश्न नौ को किया था, उसमें एक प्रश्न था कलयुग का भगवान कौन है और उनको कैसे आराधना करनी चाहिए। इसका उत्तर में कहते हैं, बोले कृष्णा वर्णम तिसा अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंति ही सुमेध सब। बोले कलयुग का अवतार कौन है? बोले कृष्णा वर्णा, जो कृष्णा ये दो अक्षर हर समय जिनकी जुहा में उच्चारण होगा और उनका जो अंग कांति कैसे शरीर का रंग और कृष्णा मतलब काले नहीं श्री गोरे बन करके आएंगे, ये कौन है? श्री गौरव हरि। गौर हरि इनका नाम क्यों पड़ा? गौरी श्री राधा रानी और हरि कृष्णा, इसलिए ये दोनों मिलकर के कलयुग में श्री गौर हरि श्री सच्चिदानंद रूप में आए, इसलिए इनका नाम गौर हरि। बोले क्या वो अकेले आएंगे? बोले नहीं, जैसे भगवान राम अकेला आए थोड़ी, दशरथ महाराज कौशल्या कैकेयी सुमित्रा भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न आए, कृष्ण के अकेले आए, राधा रानी आई, उनको सखियां भी आए, उनको ग्वाल बाल भी आए, इसलिए भगवान कभी अकेले नहीं आते हैं और धाम और अपना परिक्रमा को लेकर के आते हैं। उसी तरह कलयुग में भगवान अकेले नहीं आए, श्री स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण और नित्यानंद प्रभु बलदेव अद्वैताचार्य ये कौन है? ये सदाशिव, कहते गदाधर कौन? राधा रानी, और श्रीवास पंडित श्री नारद जी। कलयुग में उन्होंने पांच रूप में आए और सर्वत्र ये हरि कीर्तन प्रचार करके सारा दुनिया को उन्होंने प्रभु का प्रेम में बना दिया, सारा दुनिया को उन्होंने प्रभु की भक्ति रस में सबको उन्होंने डुबो दिया है। कहते ये तो कलयुग में अवतार कौन? बोले श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार। बोले कलयुग में उनको उपासना कैसे करनी चाहिए? बोले यज्ञ संकीर्तन प्राय यही जजंति ही सुमेधस। कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होएंगे उनको कैसे भजन करेंगे? बोले हरि नाम रूपी यज्ञ को द्वारा उनको उपासना करेंगे। इसलिए कलयुग में जो यज्ञ हैं, कहते कलयुग में यज्ञ नहीं है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही परा। कलयुग में हरि का नाम ही यज्ञ है। कहते ये यज्ञ क्यों करते हैं? ये यज्ञ देवताओं का नाम से आहुति देने पर उसका भाग देवता को प्राप्त होता है। अगर घी डालो हवन सामग्री में उसमें ऑक्सीजन भी निकलती, उससे ऑक्सीजन भी निकलती उससे। कहते जब कलयुग में ये हरि का नाम कीर्तन करते हैं, ये प्रभु का नाम जितने दूर तक ठाकुर का नाम जाए उतना दूर तक संपूर्ण ये वातावरण को संपूर्ण ये पवित्र कर देता है। इसलिए हमारे गुरु जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक पत्थर उठा करके पानी में फेंको क्या होगा?
उसमें लहरी आई, उसमें लहरी आई। उसी तरह जब हम भगवान की नाम कीर्तन करते हैं, ये जो प्रभु का जो नाम, नाम को क्या बताए, बोले मधुरम मधुरम मेतर मंगलांग मंगला नाम सकल निगम बल्ली सत्फल चीति स्वरूपम सक्रीदपि परिगीतम श्रद्धया हृदयवा भृगुवर्ण मात्र तार्यते कृष्ण नाम। बल्कि जो कृष्ण का नाम है, कहते ये मीठे से भी सबसे मीठे और ये मधुर से भी मधुर है। कहते जितने वेद पुराण उपनिषद अगर सबको अगर मंथन करेंगे तो उसमें अगर मक्खन निकलेगा तो क्या निकलेगा, बोले भगवान की नाम है। इसलिए बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकूत भयम् योगिनां नृप निर्णित हरि नामानुकीर्तन। हरि के नाम कीर्तन से क्या होगा, बोले एतत् निर्विद्यमानानां, बोले जो संपूर्ण रूप में संसार से मुक्त हो चुके हैं, जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी, नारद जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, माता देवी संपूर्ण रूप में माया से मुक्त हैं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, शंकर जी क्या करते हैं, बोले पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी पंचमुह में भगवान के नाम जप करते हैं। माता पार्वती उनको हाथ में भी देखना माला है, उनका हाथ में भी माला है। और श्री हनुमान जी रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम। सरस्वती की चार ही हाथ में देखोगे एक हाथ में माला है। ब्रह्मा जी की चार ही हाथ में देखोगे एक हाथ में माला है। और श्री गणेश जी भी जगत में इनकी पूजा क्यों हो रही है, गोस्वामी जी कहते हैं महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूजी अतर नाम प्रभाव। सबसे पहले गणेश जी की क्यों पूजा होती है, कारण है इन्होंने भगवान के नाम को लिख करके तीन बार परिक्रमा कर दिया तो त्रिभुवन की परिक्रमा हो गई और इनकी जय जयकार हो गई। इसलिए जगत में भगवान का नाम ही कलयुग में सबसे सरल उपाय है। बोले जिस नाम को ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव आदि सबके सब भगवान के नाम जप करते हैं। इसलिए कहते हैं ना राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई चक्कर में पड़ गए क्या, साधु बन गए भैया, साधु नहीं बन गए क्या, चोर बनोगे,
वरना तो साधु है ना, इसलिए माला जपी थी। कौन है माला जपती? मीराबाई ने, मिल गया मुरली वाला। इसलिए मीराबाई ने जो भजन की वो साधारण घर की नहीं थी हमारी। अब जैसे वो राज भरना की लड़की थी, लेकिन संतों के बीच में कहीं भी कीर्तन भजन हो एकदम झूम जाती थी। इसलिए उनकी पूरा परिवार उसका विरोध हो गई, उसको पति विरोध हो गया, उसकी देवर विरोध हो गया, सास ननद तो विरोध हो गई, भले गांव के कुत्ता तो भी पीछा नहीं छोड़ा उसको। आप देखना जो भजन करे ना सब उसको पीछे लग जाते हैं, लेकिन कोई दारू पिए ना जुआ खेले लड़की बाजी करके उसको कोई भी चुप लेगा नहीं। लेकिन थोड़ी प्रभु का भजन में लग जाओ सारा दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए कहते भैया राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जब जिसका दिल मजबूत रहे हैं। इसलिए दुनिया क्या जाने में तो कोई तेरे दुनिया। इसलिए भैया भगवान की भजन करने के लिए कहते लाज लज्जा भय तीन थाकते न, मतलब है लाज लज्जा अगर शर्म रहेगा ना प्रभु का भजन नहीं कर सकते हो। हनुमान जी शर्म करते राम की भक्ति करने के, बड़े बड़े तिलक लगा करके सारा शरीर में राम को पोत दिया कि प्रभु खुश हो जाएंगे हैं। इसलिए तुलसीदास जी शर्म करते हैं, इसलिए कोई शर्म किया है, इसलिए जो शर्म किया ना वो मर गया है हैं। इसलिए शर्म नहीं करनी चाहिए। इसलिए यहाँ श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं अगर कलयुग में भगवान को पाना चाहते हो क्या करो, भगवान के नाम जप करो, प्रभु का नाम से ही कलयुग में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए अगर हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मति परमात्मति भगवानति सत्यति। बोले एक ब्रह्म को कहते हैं कि तीन, एक ही भगवान एक ही। बोले एक मेव अद्वितीय, भगवान एक है, जिसको वेद कहता है एक अपि बहुश्याम, वो एक ही है। लेकिन जब वो लीला करने के लिए इच्छा की तब उनको बाम अंग से राधा रानी प्रकट हुई और डान अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए, और राधा रानी से जितने शक्तियां प्रकट हुई और बलदेव प्रभु से जितने अवतार आए। इसलिए जो कृष्ण है इस सारे कारणों का जो कारण है ये भगवान श्री कृष्णचंद्र है, इनसे बड़े जगत में कोई नहीं। इसलिए इनको बताया असमर्थ तत्व, मतलब है जिनकी बड़े की बात छोड़ दो जिनकी बराबर भी जगत में कोई नहीं है। स्वयं असमाप्त त्रय त्रिदिश, मतलब जिनकी आदेश पर ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, जिनकी आदेश पर शंकर जी संहार करते हैं, और जिनके आदेश पर स्वयं विष्णु जगत का पालन करने वाले हैं, ये कौन है? बोले भगवान कृष्ण है, समस्त कारणों का ये कारण है। लेकिन वो एक होने पर भी कहते इनके तीन स्वरूप है और उनका तीन तरह का भक्त है। कहते एक ज्ञानी है, एक जोगी और एक भक्त है। बोले ज्ञानी उनको किस रूप में देखता है? बोले निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति रूप में देखता है। उनको जोगी किस रूप में देखता है? अपना हृदय में एक अंगुष्ट परिमाण परमात्म रूप में ध्यान करता है, कर्मी कर्म मार्ग में जाता है। और भक्त किस रूप में देखता है? ठाकुर जी के रूप में, श्री जुगल सरकार श्री जगन्नाथ जी के रूप में, ठाकुर रूप में भक्त लोग दर्शन करते हैं। तब यहाँ पर प्रश्न आता है क्या ये सबके सब बराबर? क्या नहीं बराबर? नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक सुंदर कथा के माध्यम से समझाया। देखो जो कथा सुनते हैं ना अच्छे तरह सुन लो, ये कथा को सब प्रचार करना। कोई कोई आकर कहते ना भगवान का निराकार है, भगवान का रूप नहीं, फिर कोई कोई भगवान की पूजा ही नहीं करते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एक सुंदर कथा को माध्यम से समझाया, अच्छे तरह से समझ लो। बोले एक समय कोई एक दरिद्र व्यक्ति रास्ता दर दर भीख मांग रहा था। एक बहुत बड़ा ज्योतिष था, हैं? जो ज्योतिष था, जो व्यक्ति सर्वज्ञ, मतलब आपका मुंह को देख करके ना सारे बात बता देगा, तुम्हारी बीवी कैसे, तुम्हारी बच्चे कैसे, घर में कितने माल है, वो माल कहाँ पर तुमने रखे हो, ये सारे बात को तुमको देख कर बता देगा सारे बात। उसने देख करके उसको बोला बोले बेटा इधर आ। बोले क्या बात है?
बोले तू ये भीख क्यों मांग रहे हो? बोले घर में कुछ खाने का नहीं। बोले देख बेटा, तेरे जो पिताजी ना ये मेरे मित्र थे, और मरने से पहले मेरे को एक रहस्य बात बता कर गई। बोले क्या? बोले बोले तुम्हारी घर में चार दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन वो जो माल है ना ये पूर्व दिशा में एक सोने के घड़े में हीरे जवाहरात रखा हुआ, लेकिन देख बेटा सावधान, तू उत्तर दिशा का मिट्टी खोदना नहीं, उधर एक अजगर सर्प रहता है, अगर मिट्टी खोदोगे ना ये अजगर सर्प निकलेगा और सीधा के सीधा तुमको निगल लेगा। बोले देख बेटा पश्चिम दिशा का मिट्टी नहीं खोदना, अगर तुम पश्चिम दिशा का मिट्टी खोदोगे ना मार नहीं पड़े। बोले भागवत नहीं, भागवत नहीं, देख भागवत में चढ़ा। अगर तुम पश्चिम दिशा का मिट्टी खोदोगे वहां पर ततैया रहते हैं, ततैया रहते हैं बड़े बड़े कीड़े, अगर वो ततैया निकलेगा ना तुमको काट खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। देखो दक्षिण दिशा का मिट्टी नहीं खोदना, अगर उधर का मिट्टी खोदोगे तो उधर है एक जक्ष प्रेत रहता है, अगर वो प्रेत निकल गया तो जिंदा जिंदा तेरे को ये प्रेत तुमको खा जाएगा। लेकिन किधर का मिट्टी खोदना है बोलो? पूर्व का मिट्टी खोदोगे, ज्यादा खोदने का जरूरत नहीं, थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे बस वो माल निकलेगा, फिर तो माला माला हो जाओगे। उसने देखा मेरे पिताजी इतने संपत्ति रख करके मेरे को पता ही नहीं हो गया, सचमुच से जब थोड़ी सी मिट्टी हटाया ना सोने की कलश निकला और एक एक हीरे जवाहरात तो, उसमें जो बेचा अरब खरब रुपया हुआ, ए माला माल हो गया, पूरा पूरा माला माल हो गया। अभी ये चीज को अच्छे तरह समझो, कहते जो दर-दर में जो भटक रहा था वो व्यक्ति कौन? आप और हम हैं। संसार में जो दुखी दुखी हो रहे दर-दर भटक रहे, कहते ज्योति सर्वज्ञ कौन? बोले ये सद्गुरु। उसने जब देखा जी संसार में दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव रूप में हम है कौन? बोले हम अमृतस्य पुत्रा, हम भगवान की संतान, हम साधारण घर के कोई बच्चे नहीं। लेकिन ये बात अभी हमें पता नहीं, लेकिन ये बात हमें कौन बताता है? बोले ये सर्वज्ञ ये सद्गुरु हमें बताता है, बेटा तू साधारण घर के बच्चा है ही नहीं, तेरे पिता तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, ये भगवान कृष्ण तुम्हारे बेटा है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम साधारण घर के बच्चे नहीं, लेकिन तू दर दर भटक रहे हो, लेकिन वो माल तुम्हारी घर में रखा हुआ और कहीं नहीं, लेकिन अभी तुम्हें पता नहीं वो माल कहाँ पर रखा हुआ है, हैं? कहते हैं कि बेटा ये पश्चिम दिशा का मिट्टी नहीं खोदना, अगर खोदोगे ना उधर कौन है? एक जक्ष रहता है, इसका मतलब है तुम जोग मार्ग में मत जाना, ये जोग मार्ग एक तरह के जीव को निगल जाती है, खा लेती है। कहते देखो तुम उत्तर दिशा का मिट्टी मत खोदना, मतलब तू कर्म मार्ग में मत जाया करो, अगर कर्म मार्ग में जाओगे हमें ये जीवन क्यों मिला है? हमने जो पूर्व जन्म में कर्म किया है वो कर्म के अनुरूप हमें घर भी वैसे मिला, परिवार भी वैसे मिला, सब कुछ वैसे मिला। अब ये संसार में आओगे तो कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुख दुख पाओगे, इसलिए ये कर्म मार्ग में फंसना नहीं, ये जन्म जन्मांतर तुम संसार में भटकते रहोगे, इसलिए कर्म मार्ग को छोड़ना। कहते पश्चिम दिशा का मिट्टी नहीं खोदना, उधर एक अजगर सर्प, कहते वो कौन सा दिशा है? कहते ये ज्ञान मार्ग, ये ज्ञान मार्ग, खबरदार ज्ञान मार्ग में भी जाना नहीं। जो लोग भगवान को निर्विकार निर्विशेष ज्योति मानते हैं और अपना सत्ता को ब्रह्म ज्योति में लीन कर देना चाहते हैं, उसमें लीन कर देने पर क्या होगा? जैसे एक चींटी गुड़ खाने के लिए गया, लेकिन वो गुड़ पतला गुड़ था, ये गुड़ का रस कब आस्वादन करेगा? जब गुड़ से अलग रहेगा। अगर वो गुड़ खाने के लिए गया, अगर लपट गया, फिर गुड़ का आस्वादन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसे हनुमान जी क्या राम में मिल गए, क्या मीरा भगवान में मिल गई, ना गोपियां कृष्ण से मिल गए, ना सूरदास जी भगवान से मिल गए, कोई नहीं मिले, कोई नहीं मिले, सब के सब अलग रहे, ठाकुर जी की सेवा करते हैं।
ठाकुर जी की हनुमान जब जरूरत हो राम लक्ष्मण को कंधे में बैठा कर ले चलता है। अगर प्रभु राम कहीं बैठे हुए अपना पूंछ से सुंदर उनका छाया कर देता है, कहीं अगर जरूरत जब राम विश्राम करते हैं हनुमान जी जाकर चरण दबाते हैं, अगर मिल गए होते तो सेवा कहाँ मिलेगा। इसलिए हमें ज्योति में ब्रह्म ज्योति में हमें मिलना नहीं, ये एक तरह का सुइसाइड है। सुइसाइड मतलब आत्मा की सर्वनाश हो जाता है। इसलिए कहते भैया ये ज्ञान मार्ग में नहीं जाना, लेकिन जाना तो कौन सा मार्ग में जाना, बोले पूर्व दिशा। पूर्व दिशा मतलब भगवान की भक्ति की मार्ग, भगवान का प्रेम की मार्ग में जाओ। ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, ज्यादा खोदने का जरूरत नहीं, थोड़ी सी मिट्टी हटाओ ना वो माल निकलेगा। मतलब क्या है, कहते जो प्रभु की जो प्रेम की मार्ग है, जो भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे हम सबके सब पार्टी में जाना चाहते हैं। बोले क्यों, बोले पार्टी में तीन काम होता है, एक डांसिंग, एक सिंगिंग और एक ईटिंग। ये तीन काम होता है, खाना, नाचना और गाना। कहते भैया बीच बीच में क्यों पार्टी करो, रोज पार्टी करो ना। देखो भैया भागवत हो रहे पार्टी तो ना, नाचना तो ठाकुर का कीर्तन में नाचो, गाओ तो ठाकुर का नाम ही गाओ, और प्रसाद पाओ तो ठाकुर को बढ़िया बढ़िया है। जैसे उसी दिन बढ़िया कचौड़ी बनाए थे, रोज पिठे का सब्जी बनता है गर्म गर्म पूरी, आज आलू और चना की सब्जी है, मटर की सब्जी है, खाओ तो बढ़िया बढ़िया ठाकुर को भोग लगाओ और प्रसाद पाओ। फिर आज किसी भक्त ने लड्डू भी लाए, किसने लड्डू लाए हाथ उठाओ। हाँ देखो ये भैया ने आज इन्होंने लड्डू लाए, भैया सब भक्त के लिए उन्होंने लड्डू लेकर के आए। इसलिए कहते भैया भगवान की भक्ति में ना आनंद ही आनंद है, इसमें कोई दुख कष्ट नहीं। कथा सुनने भी आनंद, नाचने भी आनंद और प्रसाद में तो आनंद ही आनंद है। इसलिए कहते भक्ति जगत सबसे सरल मार्ग है। कहते भैया हमें ज्ञान योग और कर्म मार्ग में नहीं जाना, किस मार्ग में जाना, भगवान की भक्ति मार्ग में जाना। इसलिए कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान यद्यपि अलग अलग का बंधन है, लेकिन कहते जो प्रेम का जो बंधन है सबसे सुंदर बंधन प्रेम का बंधन है। इसलिए दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर भरे खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोले अर्जुन प्रेम के बस अर्जुन का रथ हाँको, भूल गए ठाकुर आई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान भक्तों का प्रेम में बसीभूत होकर के ठाकुर जी क्या नहीं किया, ठाकुर जी सब कुछ किया है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति मार्ग में जानी चाहिए। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की नहीं पर कर हम देख लेंगे ना, हरे कृष्ण। इसलिए यहाँ पर कर जो ऐसे जो भगवान है, जो अद्वैत ज्ञान पर तत्व है, जो असमर्थ तत्व, जिनसे बड़े की बात छोड़ दो, जिनकी बराबर भी जगत में नहीं, ऐसे जो भगवान क्या करते हैं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। ऐसे भगवान युग युग में अवतीर्ण होकर के भक्तों को रक्षा करते हैं, दुष्टों को विनाश करते हैं ठाकुर जी। इसलिए भगवान का जो सर्व पहला बता रहे हैं, ब्रह्मा की मानस पुत्र रूप में भगवान चतुष्सन रूप में ठाकुर जगत में प्रकट हुए। जब प्रकट हुए ये जो चतुष्सन है,
जिनका जीवन है कृष्ण कथा मात्र का जीवन, जिनकी हर समय जो भगवान की कथाओं को सुनाते रहते हैं श्री चतुसन, कहते भगवान की जो दूसरा अवतार भगवान श्री बराह रूप में आए, और बराह रूप में आ करके ये पृथ्वी जब रसातल में चली गई थी, भगवान बराह रूप में आ करके ये पृथ्वी को उन्होंने उतरन करके अपना धुरी पर स्थापन की, फिर श्री मनु महाराज ने ये सृष्टि को आरंभ किया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये शाम का समय में हमें चार काम नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए? चार काम क्या नहीं करनी चाहिए? पहला काम, ठीक शाम का समय में सोनी नहीं चाहिए। अगर शाम का समय जो सोएगा ना, हर समय वो दरिद्र बनकर रहेगा, उसको घर में माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं आएगी। दूसरा काम है, शाम का समय पढ़ने नहीं चाहिए, जो पढ़ोगे सब कुछ भूल जाओगे। तीसरा काम है, पत्नी को साथ में सहवास नहीं करनी चाहिए। अगर सहवास करोगे तो पेट में जो बच्चा होगा ना, बड़ा दुष्ट बच्चा जन्म लेकर आएगा। इसलिए ये हिरण्या के हिरण्यकश्यप क्यों आए, कारण यही था कि एक समय दीति ने बड़ी सुंदर सज-धज करके सीता को सामने खड़ी हो गई, और वो देखने में बड़ी सुंदर थी, अपना परछाई को देख करके एकदम काम में एकदम मुग्ध हो गई। जब काम में मुग्ध हो गई, अपना कश्यप पति को पास में प्रार्थना किया मिलने के लिए, लेकिन कश्यप ऋषि ने मना की, बोले देखो दीति ये समय अच्छा नहीं है, क्योंकि ठीक शाम का समय में शंकर जी अपना भूत पिशाचों को लेकर घूमते हैं, अगर इसी समय तुम मेरे से मिलोगे ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन वो काम में बहुत आतुर हो गई थी, जोर जबरदस्ती मिली तो बोले तुम्हारे गर्भ में दो राक्षस जन्म लेंगे, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप। लेकिन दीति ने बड़ी दुखी हुई, बोले मैं काम में आतुर हो गई थी, मेरे अपराध को माफ कर दो। लेकिन जब माफी मांगे ना, बोले ठीक है तुमने अपराध तो की लेकिन माफी भी मांगी, तेरे जो बेटा तो राक्षस बनेगी लेकिन तेरा जो पोता बनेगा वो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री प्रह्लाद बन करके आएंगे। बोले श्री भक्त श्रेष्ठ श्री प्रह्लाद महाराज की जय। इसलिए भगवान की जो तीसरा अवतार है, भगवान श्री नारद ऋषि रूप में आए, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखे हैं जिनका नाम नारद भक्ति सूत्र। जिस भक्ति सूत्र ग्रंथ में भक्ति की इतने महिमा नारद की बताए, बोले भक्ति रे वैव नयति, अगर भगवान तक हमें कोई ले जाएगा तो ठाकुर का प्रेम ही ले जाएगा। बोले भक्ति रे वैव दर्शयति, अगर ठाकुर को कोई दर्शन देगा तो कौन देगा, भक्ति से ही ठाकुर जी की दर्शन मिलेगा। बोले भक्ति रे व भूयसी, जगत में किसकी महिमा है, बोले भक्ति की महिमा है। जिस ग्रंथ में उन्होंने भक्ति की बड़ी महिमा को उन्होंने भक्ति में गाए, और श्री नारद जी के जगत गुरु है, अगर इनके थोड़ी सी किसी के संग मिली जाए ना, कल्याण ही कल्याण कर देते, ये जीव का ये मंगल कर देते हैं। इसलिए इनका नाम नारद, मतलब क्या, नर मतलब होता है रस, नर मतलब होता है ज्ञान, द मतलब जीवों को जो ज्ञान प्रदान करते रस को देने वाले, नार मतलब होता है आसक्ति, द मतलब खंडे। इसलिए जिस समय श्री ब्रह्मा जी के आदेश में दक्ष प्रजापति ने, पहले था मानस सृष्टि, मानस सृष्टि मतलब वो मन से सृष्टि होता था, अभी जैसे पति पत्नी का मिलन से सृष्टि है, ये मनु महाराज से ही प्रारंभ हुआ, लेकिन उसको पहले जो सृष्टि होती थी मन से, इसलिए कितने संतान दिया, 10,000। आप कोई बोलेगा 10,000 जन्म दिया बच्चा, कोई 10,000 बच्चा जन्म देता है, कभी अगर जुड़वा हो गया तो 2 हो जाता है, लेकिन कभी 3, 4, 5 भी दिखाई पड़ा है, लेकिन एक साथ में 10,000 बच्चे थोड़ी कोई जन्म दे सकते, नहीं दे सकते है ना। इसलिए पहले जो सृष्टि था वो मानस की सृष्टि, मन से सृष्टि होता था। तो पहले क्या नियम था, सबके सब गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, बोले गुरु जी कौन है, बोले श्री नारद बाबा गुरु जी। अभी उन्होंने नारद जी को पास में भेज दिया, नारद जी बच्चों को बहुत अच्छे तरह से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। जब पढ़ाई खत्म हो गया, अभी गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, नारद जी कहते देखो भैया अभी ये गृहस्थ आश्रम में जा रहे हो, प्रवेश करने के लिए जा रहे हो, पहले भैया समझ बुझ कर तो जाया करो,
इसलिए तब उन्होंने कुछ कूट प्रश्न किया, बोले बताओ तो ऐसे कौन सा बीज है जो बीज में एक बार घुस जाओगे तो निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, बताओ कौन सा ऐसे बीज है। बोले गुरु जी किसी बीज में जाओगे तो निकल ही आओगे। बोले यही तो प्रश्न है, ऐसे कौन सा बीज जिसमें अगर घुसोगे तो निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। बोले ये गृहस्थी। आप देखना सामने एक समस्या, सोचोगे किसी तरह से ये एक समस्या हल हो जाएगा भैया चैन मिलेगा। आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, एक समस्या तो हल नहीं हुई, दूसरी समस्या सामने कर कोशिश करेंगे ये समस्या हल हो जाए, देखना वो तो गई नहीं, तीसरी समस्या। जैसे समुद्र में लहरी आती है ना, एक बात एक में मरने का पहला तक भी ये समस्या जीव को नहीं छोड़ता है, ये ऐसे के बीज है। फिर सोचोगे बेटा को बड़ा कर दे चैन मिलेगा, बेटा बड़ा हो गया। सोचोगे बच्चा को पढ़ाई लिखाई कर दे चैन मिलेगा, पढ़ाई लिखाई हो गया। बोले बस बेटा का शादी हो जाए ना फिर तो कोई समस्या नहीं, रोज साधु संग में जाऊंगा। लेकिन जब तब तक तो कहीं थोड़ी बहुत तो साधु संग में आता था, लेकिन जब से घर में बहू आ गई ना बस, और घर छोड़कर निकल नहीं पाती, और पोता नाती पोती हो गया अगर कहीं गई फिर बहू ताना मारेगी। बोले टोकरी घूमती रहती है कोई काम नाम नहीं है, टोकरी घूमती रहती है इधर उधर से। इसलिए ये जो संसार है ना ये ऐसे एक फील है जिसमें घुस जाओ तो निकलेगा कोई रास्ता नहीं मिलेगी। इनका दूसरा प्रश्न है, बताओ तो ऐसे कौन सा चक्र है जो चक्र को कोई नहीं घुमाती, जो चक्र अपने आप घूमती रहती है, बताओ ये कौन सा चक्र है। कहते काल चक्र है। जन्म हो गए, बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई, शादी शुदा, बाल पकना शुरू हो गया, आंखों में काम देखना शुरू हो गई, चमड़ी ढीली पड़ गई, राम नाम सत्य हो गए, ये चक्र कौन घुमा रहा है, ये चक्र अपने आप घूम रही है। बोले भैया सभी का चक्र तो घूमती है लेकिन एक व्यक्ति का चक्र बंद है, सबका चक्र घूम रहा है, सबका जीवन का चक्र घूम रही है लेकिन एक व्यक्ति का चक्र घूम नहीं रही, वो स्टप है। बोले किसका चक्र घूम नहीं रही है। बोले तस्रिते जम खिणम नीतम उतम श्लोक वाताया। कहती ये सूरज नहीं ये काल है, ये पूर्व दिशा में उदय होकर के ये पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, हमारा एक दिन का परमायु नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। हम कहते हम बड़े हो रहे हैं, जगत में कोई बड़े नहीं हो रहे हैं, सबका सब धीरे धीरे हम छोटे होते हो जा रहे हैं, सब छोटे हो रहे हैं। सभी की चक्र तो घूम रही है लेकिन किसका चक्र नहीं घूम रही है, ये काल का प्रभाव किसको ऊपर में नहीं पड़ता है। बोले जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के भजन करते हैं, जैसे कथा सुन रहे हो, आपका चक्र बंद है, आपको ऊपर में काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। क्यों? कहते काल का जो काल है वो भगवान है। ठाकुर जी काल का काल, काल को सारा दुनिया डरता है लेकिन काल किसको डरता है, जो भजन करता है। काल जो भजन करता है इसको काल भजन करने वाले को डरता है, हैं? उनने तीसरा प्रश्न किया, बोले बताओ तो ऐसे कौन सा हंस है जो विचित्र बात करता है। बोले हंस थोड़ी बोलता है। बोले यही तो प्रश्न है, वो हंस विचित्र बात करता है। बोले कौन? बोले हमारी गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, ये विचित्र बात करता है। बोले क्या विचित्र बात करता है? कहते भैया तुम इसी जगत का है ही नहीं, तुम तो रिफ्यूज होकर के आए हो, वो दो दिन का यहाँ है खेल है, इसलिए भैया यहाँ तुमको रहना नहीं, बैक टू गॉड हेड, अपना घर में वापस चलो, ये तुम्हारी घर नहीं, तुम्हारी असली घर में वापस चलो, ये तुम्हारी घर नहीं है। बोले हमने खरीदी किया, हमारे पास में सारे कागज पत्र सबके सब, हमारे पास में सबके सब। बोले हर जीवन में नई नई घर बना रहे हो। हाँ एक छोटी सी कथा सुन लो। बोले एक समय कोई एक बूढ़ी माता जी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए, बेचारी लिखी पढ़ी है ही नहीं, उसने एक टिकट बनाया जिसका नंबर था 20 नंबर की टिकट। वो गई बस में बैठने के लिए, पूरा बस खाली थी लेकिन उसमें जाकर 50 नंबर में बैठी गई। तो लिखी पढ़ी है नहीं, पता नहीं 20 नंबर कौन सा। थोड़ी देर बाद में आया 50 नंबर का सीट वाला। बोले माता जी खड़े हो गए। बोले क्यों? बोले मैंने टिकट बनाया। बोले ये सीट मेरी है, खड़े हो जाओ। खड़ी होकर 40 नंबर में बैठी गई। थोड़ी देर बाद में 40 नंबर वाला। बोले माता जी खड़े हो जाओ। बोले भैया क्या बात है, मैं टिकट बनाई। फिर जाकर 30 नंबर में बैठी गई। फिर 30 नंबर वाले। बोले माता जी खड़े हो जाओ। कोई भी उसको बैठने नहीं दे। उसने देखा कहाँ बैठूं, देखा जो ड्राइवर का सीट सबसे अलग दिख रहा था
बोले यहीं पर बैठ जाऊंगा तो मेरे को कोई उठाएगा नहीं, ये अलग सा सीधा जा करके और ड्राइवर का सीट में बैठेगा। बोले बढ़िया है अकेला है। लेकिन वो ड्राइवर गया था चाय पानी पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए, जब देखा पूरा बस भर गया, वो आई ड्राइवर आए, देखा ये बूढ़ी माता जी बैठी, बोले माता जी खड़े हो गए, बोले मेरे को विरक्ति मत करो, पूरा बस में घूम गई, मेरे को कोई बैठने नहीं दे रही, बाबा ये बढ़िया अलग सीट बढ़िया, आपको यहाँ से डिस्टर्ब मत करो। बोले माता जी ये मेरी सीट ही है, ये ड्राइवर का सीट में गाड़ी में चलाने वाली हूँ। बोले हाथ जोड़ता पाँव पड़ता, मेरे को विरक्ति मत करो। बोले माता जी ड्राइवर मैं हूँ, मैं गाड़ी चलाऊंगा। मैया बोली मैं ऐसे थोड़ी बैठी गई, टिकट बनाई। बोले टिकट कहाँ दिखाओ। बोले दिखाया, कितना नंबर था, 20 नंबर। बोले आ तेरे को मैं बैठा देती हूँ। देखा सारे सीट तो बैठे हुए लेकिन 20 नंबर सीट खाली, माता जी को बैठा दिया। बोले कोई तो उठाएगा नहीं। बोले कोई नहीं उठाएगा, अपना घर में पहुंच जाओ। बोले देखो उसी तरह ये चीज को समझो, ये चीज को समझो, कहते बूढ़ी माता जी कौन। बोले हम ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, आप लोगों ने घर बनाया है ना, घर बनाया, जिंदगी की सारे पैसा कमाते कमाते, जिंदगी में जितने पैसा को कमाते ही 20-25 साल तक तो लिखाई पढ़ाई किया, उसको बाद में बड़े कठिन से नौकरी किया, फिर 50-60 साल तक तो नौकरी किया, जा करके पैसा से अपने घर बनाया, अपना घर बनाया। क्या घर में बैठ रह सकते तुम, ये घर में रह सकते हो, जो बनाया घर को रह सकते हो, कितने कष्ट से घर बनाया आपको पता होगा, रह सकते हो नहीं रह सकते हो, उसको तुमको छोड़ना पड़ेगा। फिर दूसरे जीवन में गए, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर नौकरी चाकरी की, सारा जीवन का पैसा देकर घर बनाया, क्या वहां भी रह सकते हो, नहीं रह सकते हो। इसलिए हर जीवन में हम नए नए घर तो बनाते हैं लेकिन वो घर को छोड़ना पड़ रहा है, घर को हमें छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन कब तक वो छोड़ते रहेंगे, बोले जब तक तुम अपना सही सीट पर नहीं बैठ जाओ, अपना सही सीट जो टिकट बनाए हो जब तक उसमें नहीं बैठ जाओगे। सही सीट में हमें किसने बैठाया, हमको ड्राइवर। हरि बोल, हरि बोल, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए कहते सही सीट किया है, बोले जब गुरुदेव हमें जिस सीट पर बैठा देंगे, भैया वही सीट सही सीट है, अगर अपना सही सीट में बैठ जाओगे ना तुमको कोई फिर हटाने वाले नहीं। और सही सीट किया है, कृष्ण गीता में कहते बोले हे अर्जुन आप ब्रह्म भुवन लोकात पुनरावर्ति न अर्जुन माम उपतु तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन तू जब तक तुम मुझे प्राप्त नहीं कर ले तो तब तक तुमको ये सीट बदलाना पड़ेगा, छोड़ते रहोगे, लेकिन जब तुम अपना सही घर में आ जाओगे फिर तुमको सीट बदलाना नहीं पड़ेगा। जहां जाने से जीव कभी संसार में आता नहीं, लेकिन वहां पर जाएंगे तो भैया टिकट क्या है, टिकट क्या है। बोले टिकट है भगवान का नाम ही, यही टिकट है। अगर ये टिकट तुम्हारे पास में रहेगा ना भैया, तुमको कोई फिर रोक नहीं सकता है, फिर तो तुम अपना सही सीट पर तुम पहुंच जाओगे। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। अरे बड़े जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यही हमारी टिकट, ये टिकट को ठीक रूप में ये टिकट बना लो और सीधा अपना घर में पहुंच जाओ। इसलिए श्री नारद जी उनको ऐसे प्रश्न करते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं, इसलिए कहते नारद ये जगत गुरु, ये नारद जी। इसलिए भगवान की ऐसे उन्होंने अवतार को, उन्होंने 24 अवतार का नाम लिया, लेकिन लेते लेते उन्होंने बीच में श्री कृष्ण का भी नाम ले लेते हैं, ये कृष्ण भी एक अवतार है। सुतो गोस्वामी कह रहे बोले कृष्ण अवतार नहीं, ये कृष्ण अवतार ही है जिनसे सारे अवतार आते हैं। फिर उन्होंने भगवान के लिए एक अलग श्लोक बनाते हैं, बोले एतचांस कला पुरुष कृष्णस्तो भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम
मृगयति युगे युगे। बोले हे स्वर्गाद ऋषियों, अभी तक मैंने जितने अवतार का नाम लिया है, लेकिन ये कृष्ण का कोई अंश के कोई अंश है, लेकिन ये जो कृष्ण है ना, ये पूर्ण ब्रह्म केवल भगवान कृष्ण ही है, ये पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण है। लेकिन आप देखोगे कृष्ण अलग अलग अवतार के लिए भी कृष्ण बताया। जैसे प्रहलाद को जो पिताजी बोले, बताओ भगवान कैसे प्राप्त, तुमने तुम्हारी मति किसने भगवान प्रति कर दिया संधामर को, बोले मतिर न कृष्ण परो तसत, वहां पर भी उन्होंने कृष्ण का नाम लिया है और जगह पर भी कृष्ण का नाम लिया। लेकिन जो असली जो कृष्ण का नाम कौन है, बोले जो माँ जसोदा के जो लाला है, नंद बाबा के जो नंद के लाला है, जो जसोदा दुलाला है, जो गोपीकांत कृष्ण है, यही कृष्ण ही, ये मूल भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। इसलिए बोले कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, ये जो तू शब्द प्रयोग करते हैं, कहते अनन्न पेख्यम जत रूपम स्वयं रूपम सऊचते। कृष्ण कौन है, बोले भगवान स्वयं। स्वयं भगवान मतलब क्या, बोले जो किसी का आश्रय लिए बगैर जो परिपूर्ण है, जो किसी के आश्रय लिए बगैर। तो उन्होंने उदाहरण दिया है जैसे एक संख्या, आप देखना जो एक संख्या वो किसी संख्या का सहाज नहीं लेता है, स्वयं उच्चारण होता है। लेकिन जब दो बोलो एक एक मिलकर के दो होगा, जब तीन बोलो दो एक मिलकर तीन होगा, जब चार बोलो तीन एक मिलकर के चार होगा, नहीं तो दो दो मिलकर के चार होगा। लेकिन जब एक बोलो वो किसका मदद लेता है, किसका मदद नहीं लेता है। उसी तरह जो कृष्ण है, ये पूर्ण ब्रह्म स्वयं कृष्ण, जैसे कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, उनका नाम भी पूर्ण है। कृष्ण जैसे पूर्ण, उनका नाम भी पूर्ण है। तो गुरुदेव कथा सुनाते हैं, बोले एक समय श्री माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न की, बोले प्रभु किसकी पूजा करनी चाहिए। तो शंकर जी बोले देखो पार्वती, आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधना परम, जितने आराधना में भगवान विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है। अभी मैया पार्वती विष्णु सहस्र नाम को रोज लेते, 1000 विष्णु का नाम। एक दिन शंकर जी बोले माता पार्वती नाश्ता ले, बोले अभी तक भजन खत्म नहीं हुआ, आप बड़े जल्दी करते हो नाश्ता के लिए, पहले भजन उसके बाद में भोजन। शंकर जी बोले देखो पार्वती तेरे को एक सर, हरे कृष्ण हरि बोल, बोले तेरे को एक सहज नाम बताता हूँ, परिश्रम कम और ज्यादा फल मिलेगा। बोले बोलो, बोले राम रामेति रामेति रम रमे मनोरमे। कहते हे पार्वती, अगर कोई विष्णु सहस्र नाम को एक बार ले, बोले 1000 विष्णु का नाम ले, एक बार अगर किसी ने केवल राम का नाम ले लिया, एक राम नाम समान 1000 विष्णु का नाम। बोले भैया तब तो राम का नाम लेनी चाहिए। इसलिए माता पार्वती क्या कहती थी, बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। अभी माता पार्वती क्या करती थी, भगवान राम का नाम लेती, हरे कृष्ण। आप लोग है ना थोड़ी थोड़ी इधर आ जाओगे, सब थोड़ी आगे एक यहाँ तक, ये यहाँ तक आ जाओ, हरे कृष्ण। तब ना से जो भीतर है ना, से जो आज मेरा स्काइप लगे से कह दो एट ही नहीं आ सकूँ मैं, कथा एट ही कह दे ना, तब उसे ये कर दे। आज वैसे लोग मुझे तो उठ भी पड़े ही, लोग मन पड़े क्या तब कह दे, उसको नहीं उसको बोले इधर ही कथा ले ले, क्योंकि अगर मैं चले जाऊँ सब भाग जाएगी, तो ले आ
फिर आगे आ जाओ, कोई खिसक नहीं रहा, क्या चक्कर है, फिर आगे आप पूरा खिसक कर कोई नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण। आप लोग क्या कर रहे हैं, कृष्ण की कन्या बेटिया, और थोड़ा आगे, और थोड़ा आगे आ जा, और थोड़ा, कोई खिसक नहीं है, ये बर्फ वजह से जम भी लगता है। एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए माता पार्वती क्या करती थी, प्रभु राम का नाम, देखो ध्यान देकर सुनो सबके सब, क्योंकि हम दुनिया में ये चाहते हैं हमारी परिश्रम कम हो और फल ज्यादा मिले, यही चाहते हो ना सब दुनिया के लोग, तो यही चाहते हैं परिश्रम हमारी कम और ज्यादा हमें ज्यादा फल मिले। यहाँ शंकर जी पार्वती यही चीज को बताना चाहते हैं, ऐसे परिश्रम, कौन सा परिश्रम कम हो और हमें जीवन में ज्यादा फल की प्राप्ति हो, यही बात को यहाँ पर बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्या बताए, बोले जब एक बार श्री राम का नाम लो, एक बार राम नाम से कितना फल मिलेगा, बोलो जोर से, कोई कथा नहीं सुन रहे, 1000 विष्णु नाम लेने से जो फल मिलेगा एक बार श्री राम का नाम से। अभी माता पार्वती राम का नाम ले रही थी, फिर एक दिन शंकर जी कुछ दिन बाद में फिर भोजन, बोले भोजन ले आओ, बोले अभी भजन नहीं हुआ, भोजन की बात करते, पहले भजन उसके बाद में भोजन है। इसलिए फिर शंकर जी बोले इधर आओ, तुमको और भी एक सरल उपाय बताता हूँ जो परिश्रम कम और ज्यादा फल मिलेगा। बोले बताओ, देखो शंकर जी कहते हैं, बोले सहस्र नाम नाम पुण्य नाम त्रिरा वित्वा तु जत फलम एक वित्वा तु कृष्णस्य नामैक तत प्रजच्छति। शंकर जी कहते पार्वती अगर ये विष्णु सहस्र नाम को तुम 3 बार लोगे, बोले 3000 विष्णु का नाम लेने से जो फल है, एक बार कृष्ण नाम लेने से वही फल है, और एक कृष्ण नाम समान 3 बार राम का नाम लेना है। इसलिए कृष्ण को ये पूर्ण ब्रह्म माना गया, कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म माना गया है। अभी पार्वती बोली प्रभु फिर तो मैं कृष्ण का नाम लू, बोले हाँ पार्वती ये जो कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, जितने सारे अवतार इनसे ही आते हैं, ये जो 16 कला में परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। तब से माता पार्वती क्या करती थी, कृष्ण का नाम जप करती थी। जब उन्होंने कुछ दिन तक कृष्ण नाम जप की, एक दिन फिर शंकर जी बुलाए, बोले पार्वती आज तेरे को एक रहस्य बात बताऊंगा, जो बात मैं कभी किसको बताए नहीं, चूंकि तू मेरी पत्नी हो, शक्ति हो, कहती है कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम। बोले आप भी तो बता रहे थे कुछ दिन पहले जो कृष्ण परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म है, वो अद्वैत ज्ञान परितत्व, वो असमर्थ था, तो आप ही तो बता रहे थे, फिर आप क्या बता रहे हो उनसे भी कोई श्रेष्ठ नाम। बोले मैं थोड़ी बता रहा हूँ, ये कृष्ण ने ये चंद्रमा को ये बात बताया। देखो ये श्लोक है, बोले मम नाम सत्यनापि, कृष्ण खुद कह रहे बाकी भी है, बोले मम नाम सत्यनापि राधा नाम सदोत्तमम् जग करोति सदा राधा ना जाने महिमा कीर्तम। कृष्ण कहते हैं चंद्रमा अगर मेरे नाम को कोई 100 बार भी मेरे नाम को ले ले, उसको जो फल मिलेगा, चल लाइट चली गई ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते जो व्यक्ति मेरे नाम को 100 बार उच्चारण करेगा, उसको जो फल की प्राप्ति होगी, अगर एक बार केवल श्री राधा रानी का कोई नाम ले ले, तो एक राधा रानी का नाम के समान किस कृष्ण का 100 नाम के बराबर है। इसलिए वृंदावन जाओ तो किसके नाम सबके सब लेते हैं, जोर से बोला और जोर से बोला, सबके
सब वहाँ पर श्री राधा रानी का नाम को ग्रहण करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हरे कृष्णा बोलो, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जो दरवाजा खोल दो और पीछे से दरवाजा खोल दो, राम राम हरे हरे, और एक बार जोर से बोलो, वो दरवाजा खोल दो और ये जो पीछे जो लाइट जल रही है ना, छोटा लाइट जला था क्योंकि अभी ये इन्वर्टर में चल रही है, पर मुझे जनरेटर चल नहीं रही ना, जनरेटर हाँ कोई प्रभु कोई व्यवस्था नहीं करती, पहले उसको तो देख कर रखनी चाहिए ना, जनरेटर का क्या क्या स्थिति है। इसलिए कहते श्री, इसलिए हम लोग भी जो नाम ग्रहण करते हैं किसका नाम लेते हैं, कहते ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कहते ये हरे मतलब क्या है, कहते हरे मतलब होता है श्री राधा रानी का नाम, जो कृष्ण का मन को प्राण को चित्तों को जो हरण करती है, कहते ये हरे है, और कृष्ण मतलब होता है ये कृष्ण है, ये हरे कृष्ण मतलब श्री राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसलिए जो हम लोग हरे शब्द करते हैं ये श्री राधा जी का नाम है। इसलिए ये मंत्र को ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया, जितने मंत्र में ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र, इसलिए इसका नाम मंत्र नहीं, इसका नाम बताया गया महामंत्र। कहते ये सर्वप्रथम किसकी मुंह से ये मंत्र निकली, बोले सर्वप्रथम ये मंत्र श्री राधा रानी की मुंह से, ये विरह अवस्था में, राधा रानी की विरह अवस्था में ये राधा रानी का मुंह से ही ये महामंत्र निकली है। इसलिए जो मंत्र है, जितने मंत्र में सर्वश्रेष्ठ मंत्र श्री महामंत्र है। इसलिए और एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और एक बार जोर से बोलो, देखो ये महामंत्र को विषय पर ये शंकर जी पार्वती को कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले इति षोडशक नामनम कली कल्मषनाशनम नात परत उपाय सर्व भेदेषु दृश्यते। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्लोक शंकर जी ये पार्वती को कह रहे हैं, ध्यान देकर सुनो। कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं, नाम जप कर तो कौन सा नाम हम जप करें, कौन सा नाम जप करने से हमें ये कलियुग से हमें मुक्ति मिलेगा, कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन शंकर जी कौन है, कभी देवदेव महादेव श्री शंकर जी, ये जोगी जोगी महादेव श्री शंकर जी, सत्यम शिवम सुंदरम ये शंकर जी, और किसको कह रहे हैं, एरे गेरे व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं, ये जगदम्बा जगत जननी माता पार्वती को ये बात कह रहे हैं, बोले हे पार्वती अगर ये कलियुग में अगर कोई भवसागर से पार होना चाहते हैं, उनको कौन सा नाम को ग्रहण करनी चाहिए, बोले इति षोडशक नामनम, इसमें कितना नाम, इति षोडशक, ये 16 नाम है। देखो जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कदि जो 16 नाम और जो 32 अक्षरात्मक जो नाम है, यही नाम से ही जीव का परम कल्याण होने वाले, इसी नाम से। इसलिए हमें कलियुग में बड़े दृढ़ विश्वास पूर्वक ये नाम को हमें जप करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, ये कौन है श्री चैतन्य महाप्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, यही कृष्ण ही कलियुग में राधा रानी के प्रेम को आस्वादन करने के लिए कृष्ण ही कलियुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि बनकर के कलियुग में आए हैं, कलियुग में आए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ठाकुर जी कृष्ण स्वयं ये नाम को भगवान भी स्वयं जप करते हैं।
आप और हमारी बात तो छोड़ दो, ठाकुर जी स्वयं भी ये हरि कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं। इसलिए एक दिन महाप्रभु को किसने पूछा, महाप्रभु से किसने पूछा, बोले भैया ये क्या कर रहे हो, कभी तुम नाच रहे हो, कभी हंस रहे हो, कभी गा रहे हो, कभी लौट वट क्यों खा रहे हो। देखो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले गुरु मोरे ये मूर्ख देखी करी लसास। कहते गुरु जी ने कहा भैया तुम मूर्ख हैं, तुम्हारी ये वेद में अधिकार है ही नहीं, इसलिए लोग कृष्ण नाम को तुम जप करो, ये कृष्ण नाम को जप करो। अभी गुरु जी के आदेश को पालन करते हुए मैंने जब ये हरिनाम को मैंने जप की, हरिनाम करते करते, हरिनाम करने से क्या होता है, बोले तुमको 7 फल मिलेगा। कितना फल मिलेगा, बोले पहला फल किया है, बोले चेत दर्पण मार्जनम, बोले ये चित्त रूपी दर्पण तुम्हारी साफ हो जाएगी। बोले भव महाकाग्नि निर्वापनम, ये संसार का जितने दुख कष्ट तुम्हारी सारे दुख कष्ट दूर हो जाएगी। बोले श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, ये हृदय को उदाहरण दिया, एक पुष्प है, लीली पुष्प है कुमुदिनी, जब कृष्ण नाम रूपी चंद्रमा किरण उसके ऊपर पड़ेगा तुम्हारे हृदय खिल जाएगा, मतलब हृदय तुम्हारी प्रसन्न हो जाएगी है प्रसन्न। बोले विद्या बधु जीवनम, बोले हम जो लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं इतना, ये लिखाई पढ़ाई का सार किया है, लिखाई पढ़ाई का फल किया है, बोले कृष्ण नाम है। अगर तुमने सारे वेद पुराण PhD इंजीनियरिंग डॉक्टरी सब तुम कर लिया लेकिन कृष्ण नाम में तुम्हारी रुचि नहीं, लास्ट में सब गोला जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्यों, मरते समय जब ले जाते हैं क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, यही तो बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा, यही तो बोलेंगे तुमको। मतलब जीवन में कृष्ण नाम को छोड़ करके जीवन में तुमने जो कुछ किया है तुमने संपूर्ण झूठे में तुमने बिताया। एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ में नहीं जा रहा है, पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरबार तक जाएगी, परिवार वाले जाएंगे तो शमशान तक जाएंगे, उसको आगे तेरे साथ कोई भी साथ देने वाले नहीं, साथ देगा तो क्या देगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बाबा भगवान का नाम ही यही केवल प्राप्त होगा और साथ में कुछ भी जाने वाले नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब तुम कृष्ण नाम जप करोगे प्रति पद पद में एक नई नई आनंद के आस्वादन मिलेगा। एक दिन ऐसे होगा कृष्ण प्रेम समुद्र में संपूर्ण तुम निमज्जित हो जाओगे, कृष्ण भक्ति रस में संपूर्ण तुम डूब जाओगे। इसलिए क्या करनी चाहिए, इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती अगर भव सागर से पार होना चाहते हो तो बोले एक ही मार्ग है, ये कलयुग में ये हरे कृष्ण महामंत्र। हम ये बात को नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं शंकर जी माता पार्वती को ये बात शंकर जी कह रहे हैं ये बात। इसलिए हमें दृढ़ विश्वास पूर्वक कलयुग में इसी हरि नाम को ही हमें जप करनी चाहिए। बोले श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे क्लास देने का था लेकिन हाँ चल रहा है, इसमें आज मेरे को जो क्लास का विषय था
कृष्ण तत्व के बारे में और भगवान कृष्ण जन्म ग्रहण करेंगे इस विषय पर। लेकिन अभी हमारी आप लोग जो देख रहे हो इसलिए यहाँ भागवत कथा चल रही है, लेकिन अभी हम विषय से बाहर जा नहीं सकते, इसलिए आपको जब जो मैं कथा सुना रहा हूँ आप फोन पर बैठ बैठ करके इसी को ही आप श्रवण करो और एक दिन हम ये कृष्ण की जन्म उत्सव के विषय पर आपको सुना दूंगा, ठीक है। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जय श्री राम। अभी भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में जब जब वो जाने के लिए तैयारी होते हैं, लेकिन पांडव लोग भगवान कृष्ण को अपना भक्ति में इतने बसीभूत करके रखे थे, इसलिए कहते पांच तरह का भगवान की भक्त है। हमारे भागवत में कहते पांच तरह का भक्त जिसको श्री सनातन गोस्वामी वर्णना करते हैं, एक ज्ञानी भक्त है, एक शुद्ध भक्त है, एक प्रेमी पर, एक प्रेमा पर और एक प्रेमातुर। कहते जो पांडव लोग है कहते ये कौन सा भक्त है, कहते ये प्रेमा पर भक्त है। भगवान इनकी प्रेम में इतने बसीभूत है ठाकुर जी, इनकी घर छोड़कर ठाकुर निकल नहीं पाते। जब जब जाने के लिए तैयारी होते है ना, पांडव लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं कि ठाकुर जी जब जब हमारे ऊपर विपत्ति पड़ी आपने हमें रक्षा किया है, अभी तो हम संपत्ति मिला है, अभी तो मैं राजमाता बन गई। कुंती कहती है युधिष्ठिर तो राजा बन गया, कम से कम अभी तो रह करके कुछ सेवा को ग्रहण करो। उनको घर से किसी तरह से निकलने नहीं देते, घर से जब निकलने नहीं देते हैं उसी समय में कृष्ण एक दिन मैया कुंती ने कृष्ण को बड़ी सुंदर उन्होंने स्तुति की है, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले कन्हैया तुम्हारी ये जो कृष्ण स्वरूप है सर्वश्रेष्ठ रूप है, जो व्यक्ति तुम्हारी ये कृष्ण रूप को भजन करते हैं, बोले ब्रजेंद्र नंदन भजे जय जन सफल जीवन था। जो कृष्ण को भक्ति करते हैं उनका जीवन धन्य है, जो कृष्ण भक्ति करते हैं। लेकिन उससे धन्य कौन है, बोले वसुदेव महाराज। बोले क्यों, आप तो जगतपति जगन्नाथ हो, जगत का पिता आप हो, लेकिन अपने पिता किसको आपने बनाया, बोले श्री वसुदेव महाराज को अपने पिता बनाया, इसलिए वसुदेव महाराज बड़े भाग्यवान। बोले उनसे अगर कोई भाग्यवान, बोले देवकी। बोले क्यों, भगवान तो विश्व ब्रह्मांड भगवान के अंदर में, लेकिन जब भगवान आए किसकी पेट में ठाकुर जी आए, बोलो मैया देवकी। यहाँ शिक्षा देते हैं पिताजी का जितना सौभाग्य है माँ की उससे ज्यादा सौभाग्य माँ, क्योंकि बच्चे को 9 महीना तक कौन गर्भ में धारण करती है, माँ। उनको जन्म कौन देती है, बोले माँ। उनको अगर बच्चा अगर टाटी पेशाब कर दिया, पिताजी की गोद में टाटी पेशाब कर दिया, पिताजी कुछ उसको साफ करेंगे, क्या करेंगे, किसको दे देंगे, माँ को, किसको लिया, उसको साफ सुथरा कर देंगे, खुद साफ सुथरा नहीं करेंगे, पिताजी साफ सुथरा करती है, माता जी करती है। इसलिए कहते पिताजी से ज्यादा सौभाग्यवान माँ की, मतलब देवकी ज्यादा सौभाग्यवान। लेकिन उनसे ज्यादा सौभाग्यवान कौन है, कहते श्री नंद बाबा मैया जसोदा। बोले क्यों, बोले कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए हैं लेकिन उनके झूला में किसी ने झुलाया, पल्ले में झुलाया किसी ने, उनको अंगुल पकड़ करके ठुमको ठुमको करके चलाना किसी ने सिखाया, उनको कान किसने मोल दिए, उनको मक्खन किसने खिलाए, कहते मैया जसोदा। इसलिए कहते नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले मैया जसोदा सौभाग्यवान नंद बाबा, लेकिन उनसे ज्यादा सौभाग्यवान कौन है, कहते श्री ब्रज गोपियां हैं। क्योंकि भगवान जो रास किया है ना, किसको साथ में ठाकुर जी रास करते हैं, ये ब्रज गोपियों को साथ में ठाकुर जी, इनको साथ में ठाकुर जी रास किए, इसलिए भगवान ये ब्रज गोपियों को चरण में इतने ऋणी बन गई, इतने ऋणी बन गए, कृष्ण को इनके चरण में झुकना पड़ गया। कृष्ण को कृष्ण कहते गोपियां थोड़ा प्यार दबा दो, थक गई हो, पसीना निकलना, अपना दुपट्टा से पसीना पोंछ देती है, पसीना पोंछ देती है। अगर एक आंख में काजल लगा करके आए कन्हैया, दूसरे आंख में लगा देती है, गले की हार को अगर कमर में, कमर की करधनी गले में, कृष्ण ठीक रूप में उनको श्रृंगार कर देते हैं। इसलिए लास्ट में कृष्ण को बोलना पड़ा है गोपियां न पार अहम निरबद्ध संजाम, अगर ब्रह्मा जैसे परमायु लेने पर भी तुम्हारी ऋणी से मैं कभी उऋणी बन नहीं बन सकता, क्यों,
तुम लोगों ने मेरे लिए, मेरी सेवा के लिए भाई बंधु पुत्र परिवार सबको तुमने एक तरफ पे करके तुम लोगों ने मेरे पास में आए, इसलिए कृष्ण कहते हैं स्वागतम में महाभागा, जगत में तुम लोग सबसे सौभाग्यवती हो, मैं तुम सबको में स्वागत करता हूँ। इसलिए जगत में सर्वश्रेष्ठ अगर कृष्ण का कोई भक्त है कौन है, बोले ब्रज गोपी है जिसको साथ में भगवान ने ये रास किया। लेकिन उनसे बड़े कौन है भक्त में, बोले उनसे बड़े हैं कहते गोपियां भी जिनकी चरण की सेवा करती हैं। बोले कौन है, बोले सर्व गोपेषु सेवका विष्णु अत्यंत बलवा, कहते श्री राधा जी चरण। कहते जितने कहे कृष्णा यद्यपि जगत में तुम्हारी बहुत भक्त हैं, लेकिन तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, बोले श्री राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की जय। और जोर से बोलो बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए कभी कभी कृष्ण भी राधा जी की चरण की सेवा करते हैं। वृंदावन में सेवा को भी जाकर देखोगे कौन किसकी सेवा कर रहा है, बोले परात पर तत्व भगवान स्वयं राधा रानी की चरण की सेवा की, इसलिए वो स्थान का नाम पड़ गया सेवा कुंज नाम पड़ गया। इसलिए मैया कुंती कहती है कृष्ण जगत में सर्वश्रेष्ठ भक्त तुम्हारी श्री राधा रानी है, राधा रानी। इसलिए बोले कृष्णा बोले देवकी बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्र। भगवान को कमल को साथ में उदाहरण देते हैं, कहते भगवान के शरीर में आठ कमल है, कितने कमल है, क्या क्या है, एक मुख कमल, दो चरण कमल, दो हस्त कमल, एक नाभि कमल, दो नेत्र कमल, और एक है कौन सा कमल है, कहते उनको मुख कमल। कहते भगवान के शरीर में सारे शरीर को कमल कमल को साथ में उदाहरण दिया। बोले क्यों, आप लोग कमल फूल देखे हो, कौन कौन कमल फूल देखे, हाथ उठा, देखने में कैसे, जितने फूल में ना सबसे सुंदर फूल कमल फूल है, ये आंखों को बड़ा शोभायमान देता है, आंखों को देखने पर आंखों को बड़ा आनंद देता है। इसलिए ठाकुर जी भी देखने में बड़े आनंद ठाकुर जी है। इसलिए कभी कभी कृष्ण को गोपियां ताना मारती है, बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़, बोले परमात्मा ने अच्छा किया तेरे को लाली नहीं बना करे लाला बना दिया, अगर तू लाली बनती ना इतने तुम सुंदर है, कल भूषणाम भूषणाम इतने तुम सुंदर है, पता नहीं तेरे को पाने के लिए जगत में जितने क्षत्रिय है सबके सब मारपीट करके लड़ाई झगड़ा करके सबके सब खत्म हो जाते, अच्छा किया तेरे को लाली नहीं बना करके लाला तेरे को लाला बना दिया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इसलिए जब मैया कुंती भगवान को बड़ी स्तुति कर रही थी, कृष्ण ने कहा बुआ जी तू तो आज उल्टा गंगा बहा रहे, तू तो बड़ी बुआ जी में तेरे भाती जा, नियम में तेरे को स्तुति करनी चाहिए। बोले कन्हैया यही तो तेरी माया है, तेरे माया को समझना बड़ा कठिन है, मैंने स्वयं ये चीज को देखा, एक दिन तुमने ब्रज में मक्खन तुमने चोरी की मटकी फोड़ी और मैया ने जाकर तेरे को पकड़ लिया, एक हाथ में छड़ी एक हाथ में पकड़ कर रखी, उसी समय में तू सिसक सिसक करके रो रहा था, मैया ने जो काजल लगा कर रखी थी हाथ से मल रही था और गंगा जमुना की जैसे धार बह रही थी, इतने तुम डरे हुए थे। इसलिए सत्य व्रत ऋषि कहते हैं बोले रो दंत मोर नेत्र जोग Thank you.
तेरे माया को समझना बड़ा कठिन। मैं देखा जिसकी डर से स्वयं काल भी थरथर थरथर कांपते हैं, तो मैया की डर से थरथर कांप रहा था। मैंने कहा सचमुच से तू डरे हुए ना, तो नाटक कर रहा था कि वो दुनिया का मालिक है ना, तो नाटक कर रहा था। लेकिन मैंने ध्यान से देखा सचमुच से तू मैया की डर से तुम डरे हुए हो। इसलिए कन्या तेरे माया को समझना बड़ा कठिन है, तेरे माया को समझना। बड़े बड़े देवता भी तेरे माया में मोहित तो हो जाते हैं, बोले मुझ्यंति जत सुरयो। देवता भी तेरे माया से, देवता भी मोहित हो जाते हैं कन्हैया। तब उन्होंने कृष्ण ने कहा बुआ जी, जब आज तुम इतने स्तुति स्तव कर रहे हो, ठीक है आज मेरे पास में तू जो कुछ मांगना मेरे से तू मांग ले। इतने में मैया कुंती भगवान से प्रार्थना करती, बोले प्रभु, बोले विपत संत ने साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु। बोले प्रभु अगर देना चाहते हो मेरी झोली में विपत्ति भर दे। बोले बुआ जी सारा दुनिया तो कितना सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मीटे करने का, जय जगदीश हरे। सारा दुनिया तो कहते हैं भैया धन धन दौलत घर में आए, यही तो चाहते ना ठाकुर जी को। लेकिन तू तो कह रहे हो मेरे को विपत्ति दो। बोले विपत्ति क्यों मांगते हो? बोले कृष्ण कहते विपत्ति में तेरे को स्मरण करते हैं, हैं? बोलते सुख में दुख में सुवीरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में जो सुवीरण करे दुख काही को आए। कहते सुख के माँ के सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलि हरि और दुख को जो पल पल नाम जपाए। इसलिए कन्हैया दुख आए तो तेरे स्मरण होता है, और ज्यादा सुख आ जाए ना तेरे को सब भूल जाते हैं। इसलिए कहते चार तरह का व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेंगे। बोले कौन है? बोले जन्म ऐश्वर्य सुरत श्री भी रे दमान मद कुमान। जिसको पास में ज्यादा ऊंचे घर में जन्म हो जाए, जिसको पास में ज्यादा पैसा हो जाए, जिसका थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो जाए, और जिसका रंग थोड़ा अच्छा हो जाए, देखने में जो थोड़ी सी सुंदर हो जाए, कहते कन्हैया ये तेरे भजन नहीं करते। लेकिन अगर रहते हुए अगर कोई भजन करते हैं, समझनी चाहिए ठाकुर जी की उसके ऊपर बहुत कृपा, ठाकुर जी की बड़ी कृपा ठाकुर को उसके ऊपर में। इसलिए मेरे झोली में तुम विपत्ति भर दो। हाँ देखो अभी प्रश्न आता है, क्या भक्तों को घर में विपत्ति विपत्ति आए? कोई बोलेगा ना कुंती कह रहे मेरे घर में विपत्ति दो, इसका मतलब जो प्रभु की भक्ति करे उसको घर विपत्ति विपत्ति क्या आए, इसका मतलब तो यही होता है ना? नहीं कहते ऐसे नहीं। एक उदाहरण देकर समझाया, जैसे तुम्हारी पड़ोसी को साथ में तुम्हारी झगड़ा है लड़ाई, मैया ने बेटे को बोले देख बेटा भले ही तू जहर खा करके मरना तो मर जाना, लेकिन ये पड़ोसी के घर में मत जाना। इसका मतलब क्या तू जहर खा कर मर जा? इसका मतलब तो पड़ोसी के घर में मत जा, यही कहना चाहती है कुंती। ये चीज को कहना चाहती है ठाकुर जी, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ठाकुर जी तू मुझे जिस अवस्था में रखना तू उसी अवस्था में तू मेरे को रख ले, लेकिन जैसे कभी मैं तेरे को भूलू नहीं। ठाकुर जी यही सिखा देते हैं। इसलिए आप लोगों से यही प्रार्थना है, ठाकुर जी जिस स्थिति में तुमको क्यों नहीं रखे, लेकिन ठाकुर जी को कभी भूलना नहीं, हर समय ठाकुर जी को याद करते रहना। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। कभी अभी श्री पितामह भीष्म भी सरस ज्ञा में लेटे हुए हैं, इनकी भी यही एक अंतिम इच्छा है।
ठाकुर जी तेरे नाम को जप करते करते तुम्हारी स्मरण करते करते जैसे ये अंतिम श्वास मेरे चले जाए, हमार यही एक इच्छा है। ठाकुर जी भक्त वत्सल है, कुछ ऋषि मुनि लोग आए हुए थे, ठाकुर जी उनको लेकर के श्री पितामह भीष्म को पास में गए। और पितामह भीष्म आंख बंद करके भगवान को स्मरण कर रहे थे और पांडव लोग एक एक करके उनका चरण को स्पर्श करके अपना परिचय दे रहे थे, हैं उनका परिचय दे रहे थे, भीम नकुल अर्जुन सहदेव। लेकिन इतने में कृष्ण भी गए और उन्होंने पितामह भीष्म का चरण को स्पर्श करके बोले, बोले अर्जुन का सारथी आपको स्मरण कर रहा है, अर्जुन का सारथी आपको चरण स्पर्श कर रहा है। वो तो अर्जुन का सारथी को याद कर रहे थे। जब बोले अर्जुन का सारथी, इतने में पट श्री पितामह भीष्म अपना आंख खोल दिए और सामने श्री ठाकुर जी को उन्होंने दर्शन किया। ठाकुर जी का दर्शन करते हुए पितामह भीष्म इनका हृदय प्रेम में गदगद हो गया। तो ठाकुर जी कितने दयालु, देखो मेरी यही अंतिम इच्छा थी ठाकुर को दर्शन करते करते जाऊं। तब उन्होंने भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, बोले प्रभु मेरी एक बेटी है, अब ये बेटी शादी के लायक हो गई, लेकिन अभी मैंने उसके लिए, हर पिता माता क्या चाहते बेटी के उपयुक्त तो कहीं पति मिल जाए उसको हम शादी करा दें, लेकिन जिंदगी भर मैंने उसके लिए बेटी ढूंढा लेकिन बेटी हमको मिली नहीं। लेकिन पिताजी का अंतिम समय शरीर छोड़ने वाले, अगर घर में बेटी हो पहला कर्तव्य क्या है, बेटी की शादी दो सबसे पहला कर्तव्य। लेकिन जिंदगी भर मैंने उसके पति ढूंढ लिया लेकिन अभी तक उसको कोई उपयुक्त पति नहीं मिला, इसलिए प्रभु जी मैं चाहता हूँ उसको मैं शादी करा दे। ठाकुर जी बोले तुम्हारी बेटी कहाँ से आ गया, पितामह भीष्म ने शादी किया था कि नहीं, बोलो। उनका पहला नाम था देवव्रत, लेकिन उन्होंने जो भीषण प्रतिज्ञा की आजीवन में ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, इसलिए उनका नाम पड़ गया भीष्म, कि उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की, उन्होंने कभी शादी नहीं की। बोले तुमने तो शादी नहीं की, तुम्हारे घर में बेटी कहाँ से आ गई। बोले प्रभु इति मति रूप कल्पित तृष्णा, मेरी जो मति जो मेरे मन है यही मेरी बेटी है, लेकिन ये मन को ये बुद्धि को मैं आपको साथ में शादी करा देना चाहता हूँ। मतलब है ठाकुर यहाँ पर शिक्षा देते हैं ये असली हमारे पति कौन है, बोले भगवान है। इसलिए कहते ना ऐसे वर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए, बरा बरी और गोपाल जो चुड़ल अमर हो जाए। इसलिए कहते ना आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की गोरी बना दो, मुझे श्याम सुंदर की गोरी बना दो। फिर मांग मिट जाती है, फिर दूसरे जीवन में फिर नया पति हो तो पत्नी, पत्नी हो तो फिर पति मिलता, फिर शादी होती है। लेकिन उसके बाद में जो पति मर जाए फिर शंका टूट जाती है और मांग मिट जाती है। बोले कब तक तुम्हारी मांग ऐसे मिटती रहेगी, शंका टूटते रहेगी। बोले जब तक तुम भगवान कृष्ण को अपना पति रूप में वर्णन नहीं कर लेते हो तब तक ये मांग मिटते रहेगी और शंका टूटते रहेगी। इसलिए एक बार अगर ठाकुर जी को अपना पति रूप में मान लो, उनके चरण में शरणागत हो जाओ, बस काम तुम्हारी बन गया। कृष्ण अपना गोपी बनाकर गोलोक वृंदावन में स्थान दे देंगे। इसलिए ठाकुर जी कहते भैया तुम्हारी बेटी कैसे ऐसे नहीं, घर में आई शादी करके और घर में बैठ गई, घर का कोई काम धाम करेगी नहीं और दिन भर बैठी बैठ कर खाएगी, बेटी तो ऐसे नहीं। बोले नहीं, बोले वितृष्णा ये जो मेरी मन है ये बड़े पतिव्रता है, आपसे उठने से पहले उठेगी, उठने से पहले सारे काम करेगी, आपको भोजन बढ़िया से खिलाएगी और आपकी खूब सेवा करेगी, इसलिए कोई चिंता मत करो। इसलिए प्रभु मैं चाहता हूँ आप सामने खड़े हो जाओ और आपके चरण में अपना तन मन सब कुछ आपके चरण में लगा दूं। तो उन्होंने भगवान को बड़ी सुंदर उन्होंने स्तुति की, हैं बड़ी सुंदर स्तुति करते करते उन्होंने बोले प्रभु विजय विजय सखे रति मस्तु में अनवद्य, मेरा जो मन है बोले किसकी चरण में मेरा मन लग जाए, बोले विजय सखे, अर्जुन का एक नाम विजय है, हैं उसका जो सखा कृष्ण उनके चरण में मेरा मन लग जाए। बोले भैया अर्जुन की सखा कृष्ण को चरण में मन की क्यों लगाना चाहते हो, बोले कारण है आप कौन हो, बोले जगतपति जगन्नाथ आप हो।
लेकिन ये होते हुए भी आपने काम किया क्या, अर्जुन का सारथी का काम किया। सारथी का काम कौन करता है? छोटे जाति का लोग सारथी का काम करते हैं, लेकिन कहां भगवान हो करके कितना सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको भूल गए ठाकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आप कहां विश्व ब्रह्मांड का मालिक होकर के कहां अर्जुन का रथ को सारथी बन गए। अगर घोड़ा कभी थक जाए, मैं स्वयं देखता था, आप घोड़ा को मालिश करते हो, भूख लगे तो घास खिलाते हो, एक हाथ में कोड़े पकड़ करके रखे, एक हाथ में घोड़े की क्या लगाम को, जैसे घोड़े को भगाते ना हुम हुम करते करते, मैंने स्वयं देखा कि इस घोड़ा को चला रहे थे हैं। इसलिए कभी इनकी दूत बन जाते हो, कभी इनके आप दूत बन जाते हो। जब ये महाभारत युद्ध हो रहा था, एक दिन दुर्योधन ने पितामह भीष्म को खूब गाली गलौज की, बोले अगर मेरे को हमको पहले पता चलता पांडवों का मारोगे नहीं, आपको हम कभी सेनापति पद में नियुक्त ही नहीं करते। आप देख रहे हो अर्जुन कितने हमारे सैनिक को मार रहे हैं, हम बेकार आपको सेनापति पद में नियुक्त किया। खूब उन्होंने बुरी भली उन्होंने सुनाया किसको, पितामह भीष्म को। अभी पितामह भीष्म को तावा आ गया, बोले कोई चिंता मत करो, कल पांडव समाप्त हो जाए, इनके लिए मैं 5 बाण बनाऊंगा, बस कल इनकी समाप्त कर दूंगा। अभी पितामह भीष्म ने 5 बाण पांडवों के लिए बनाए, कल पांडवों को खत्म कर देंगे। लेकिन दिन भर युद्ध करते करते सबके सब लेट होंगे, क्यों दूसरे दिन भी युद्ध करना, सबके सब सोए हुए, लेकिन ठाकुर को नींद नहीं आ रहा, कृष्ण को नींद नहीं आ रही है, इधर से उधर कृष्ण घूम रहे, प्लानिंग कर रहे हैं। क्यों? ये युद्ध होने से पहले मैया कुंती ने ये पांडवों को ला करके बोले, कृष्ण मैं अपना बच्चे को तुम्हें दे रहा हूँ, अरे बच्चे को तुम रखा करना। भगवान स्वयं प्रतिज्ञा की, बोले बुआ जी भले ही ये विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी जो 5 बेटा का एक बाल भी बंका होने नहीं होगा। गीता में भगवान प्रतिज्ञा किए, कौन तेरा प्रतिजानी न मैं भक्त प्रण सती है, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं। अभी भगवान का भक्त मर जाएंगे तो भगवान की बदनामी हो जाएगी। देखो भगवान की शरण लेने से कितने लाभ, देखो भक्त तो सो रहे, सबके सब सोए पड़े हुए, लेकिन कौन नहीं सो रहा है, बोले कौन सोए नहीं, ठाकुर जी सोए नहीं। और इधर से उधर इधर से जैसे बड़े चिंता में कोई पड़ जाए ना, ऐसे ठाकुर जी प्लानिंग कर रहे हैं ये पांडवों को मैं इसके से बचाऊ पांडवों को। इतने में कृष्ण गए, अर्जुन सो रहा था, उनको हाथ पकड़ो हिलाए, बोले अर्जुन उठो बेटा, अर्जुन उठो सखा उठो। अर्जुन बोले क्यों तंग कर रहे हो, तंग क्यों कर रहे हो, सो रहा हूँ, कल सवेर फिर उठ करके युद्ध करना पड़ेगा फिर, और सो रहा हूँ क्यों तुम उठा, तंग क्यों कर रहे हो। बोले देखो पितामह भीष्म ने 5 बाण बनाया और कल तुमको मार डालेंगे। बोले अच्छी बात है, मार डालेंगे तो न्यूज पेपर का हेडिंग में आ जाएगा, कृष्ण का 5 भक्त थे और वो मारा गया। बोले तो यही तो चिंता का विषय है, यही तो चिंता के विषय है, मेरे भक्तों का विनाश नहीं हो, मैंने प्रतिज्ञा की है। इतने में अर्जुन ने बोले बताओ क्या करना पड़ेगा। बोले तुमको याद होगा, बोले किस चीज की, बोले जिस समय तुम्हारी वनवास हो गया था, दुर्योधन और दुशासन कर्ण तुमको अपमान करने के लिए वहां पर पहुंचे, और उसी समय में इंद्र ने गंधर्वों को भेज दिया, ये गंधर्व दुर्योधन को पकड़ करके ले जा रहे थे, और इतने में युधिष्ठिर महाराज तुमको भेज करके ये गंधर्व को परास्त करते हुए दुर्योधन को तुमने बचाया। हाँ, बोले उसी समय में दुर्योधन ने प्रतिज्ञा किया था, बोले क्या किया था, बोले तू जो कुछ मांगो तो मैं तेरे को दूंगा, और तुमने बताया था समय आने पर मैं मांगूंगा, अभी समय आ गया जाओ उससे। बोले क्या करना पड़ेगा, बोले दुर्योधन का जो ड्रेस को मांग करके ले आओ, और वो ड्रेस को पहन करके और पितामह भीष्म के पास में जाओ अंधकार में, और जो 5 बाण बनाया ना, पितामह भीष्म को बोलना आप क्यों पांडवों को मारोगे, मेरे को दे दो, मैं अपना हाथों से मार डालूंगा, पर आपका प्रतिज्ञा नष्ट नहीं होगा, आपका बदनाम नहीं होगा, 5 बाण को ले आओ। और सचमुच से अर्जुन ये 5 बाण को लेकर आ गए, 5 बाण को लेकर के आ गए। इसलिए पितामह भीष्म कहते बोले प्रभु मेरा जो प्रीति है, मेरी जो ममता है, अर्जुन का जो सखा जो कृष्ण उन्हें में प्रीति हो। बोले क्यों, बोले हर विपत्ति में भगवान कृष्ण ने आपको बचाया है,
इसलिए कृष्ण का प्रतिकृति हो। तब भीष्म को प्रश्न करते हैं, कहते आप क्या यही बताना चाहते हो कृष्ण का बहुत सारे रूप है, बोले सारे रूप में क्या यही कृष्ण का जो अर्जुन का जो सखा अर्जुन, अर्जुन का जो मित्र कृष्ण, जब युद्ध करते समय उनका स्वरूप क्या सर्वश्रेष्ठ स्वरूप तुम बताना चाहते हो? बोले नहीं ऐसे नहीं, बोले कृष्ण का जो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप, कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं ब्रज गोपियों को साथ में प्रभु जब रास रचाते हैं, वो जो रास रचाते समय जो रूप है ये रूप ही उनकी सर्वश्रेष्ठ रूप है, लेकिन होने पर भी मेरी जो प्रीति है, कहते जो अर्जुन का सखा जो कृष्ण उनके चरण में हमारी प्रीति इनके चरण में, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भाव तो कृष्ण जब रासों में रास करते हैं ब्रज गोपियों के साथ में, इतने में पितामह भीष्म कृष्ण को दर्शन करते करते और उन्होंने कृष्ण का नाम को लेकर के अंतिम श्वास को त्याग दिया और देवता लोग आकाश में दर्शन कर रहे थे। देखो पितामह भीष्म कितने सौभाग्यवान, बोले क्यों? बोले जनमा जनमा मोनि जाता ना कराई, जतन करने पर भी अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आता है। देखो ये प्यार में दो अर्थ है, आप लोग हिंदी समझते हो? कौन कौन हिंदी समझता है? सब समझते हो। देखो गोस्वामी जी यहाँ पर बहुत अच्छी बात कहते हैं, कोई कहीं कहते ना अरे बचपन से भजन करने का क्या जरूरत है, जब बूढ़ा बन जाओगे रिटायर लाइफ भी आएगा तभी एक दो माला सटका लेना, अभी से भजन करने का क्या जरूरत है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंतराम कहीं आवत नहीं, अंतिम समय में प्रभु का नाम नहीं आता है, अंतिम समय में प्रभु का नाम ही नहीं निकलती है, इतना दुर्लभ है। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है, कोई कहते ना बचपन से भक्ति करने का क्या जरूरत है, बुढ़ापा में भक्ति कर दे, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं तभी जा करके अंतराम कही, तभी मुंह से प्रभु का नाम निकलेगा। जब अंतराम कही फिर जब कहोगे ना फिर आग बतनाई, फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रह्लाद महाराज कहते हैं कितने उम्र से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, बोले कौमार आचरत प्राज्ञम, जो बुद्धिमान उनको 5 साल उम्र से भक्ति करना शुरू कर देनी चाहिए। कितने साल से? जोर से बोलो। तब बच्चों ने जब प्रहलाद ने कहा 5 साल से भजन पर करो, बच्चों ने कहा भैया 5 साल से क्या जरूरत है, जब बड़े बने जाएंगे तब करेंगे, अभी से भक्ति करने का क्या जरूरत है। देखो प्रहलाद क्या कहते हैं, बोले तुम्हारे पास में कोई ज्ञान भी कर रखा हुआ है, अभी कोरोना है ना, कितने कितने उम्र के लोग मरे, कहते तीसरा लहर आएगा तो बच्चों के लिए आएगा, ये बच्चों के लिए आएगा, इसलिए बस तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है, अगर तुम बड़े होने से पहले राम नाम सत्य हो गया तो। फिर बच्चों ने कहा कोई बात नहीं, फिर अगले जीवन में करेंगे। प्रहलाद कहते बोले दुर्लभ मनुष्य जन्मम, हे बच्चों ये जो मानव शरीर है, कहते 1,84,000 ब्रह्म के नरोत्तम दही, ये 84,00,000 जन्म के बाद में एक बार ही ये जीवन मिलता, बारंबार ठाकुर जी जीवन नहीं देते हैं, इसलिए समय रहे तो ये भजन करो। जैसे एक बच्चा जैसे पढ़ाई करता है कितना साल, जैसे कोई सीए करता है कोई इंजीनियरिंग करता है कितना साल लगता है, बच्चों कितना साल लगता है,
बोलो कितना साल लग जाती है सीए या इंजीनियर, कितना साल लग जाती है? 25 साल तक करीब करीब पढ़ाई करना पड़ता है, 25 साल तक बच्चा पढ़ता है। लेकिन पढ़ने का बाद जब उसको सीए की जो लास्ट जो एग्जाम आती है वो 2-3 घंटा की एग्जाम होती है, 2-3 घंटा में अगर सही सही पेपर दे दिए ना, बढ़िया नंबर आ गया तो नौकरी मिल जाएगा। लेकिन 2-3 घंटा के लिए कितना साल पढ़ाई करना पड़ा बोलो? 25 साल तक उसको पढ़ाई करना पड़ा केवल 2-3 घंटा की प्रिपरेशन करने के लिए है। उसी तरह जो भगवान की जो अंतिम समय में प्रभु का नाम आए है, इसको पहले से बचपन से अगर आदत डालोगे ना, क्योंकि रील में जो भरा होगा वो तो ही निकलेगा ना। अगर रील में अगर कीचड़ भरा हुआ होगा, दुनियादारी अगर भरा हुआ होगा, अंतिम समय में कभी भी प्रभु का नाम नहीं आएगा। इसलिए भैया, इसलिए मीरा कितने उम्र से भजन की? 5 साल में। ध्रुव प्रहलाद कितने उम्र में भजन की? हनुमान कितने उम्र से भजन की? तुलसीदास कितने? कोई बूढ़े वर्ग के भजन नहीं किए। प्रहलाद महाराज मना कर देते, बुढ़ापा में भजन होता ही नहीं, तुम शरीर की चिंता करोगे ना, ठाकुर की चिंता कर देते। और जिंदगी भर जो किया होगा वही तो चिंतन में आएगा ना। इसलिए क्या करो, भगवान की बचपन से भगवान की भक्ति में लग जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी, नाचने वाले बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। रज में है, रज में है।
Radha 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 Radha
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
द्वारका विजय कर रहे थे, रास्ता में जिस गांव देख करके जाए उसी गांव में लोग सब के सब उमड़ पड़ते थे और भगवान को स्वागत करते थे। स्वागत करते करते ठाकुर जब द्वारका में पहुंचे, भगवान अपना पांच जन्म शंख ध्वनि की, सारे द्वारकापुरी भगवान को स्वागत करने के लिए आए। लेकिन जब भगवान को स्वागत की, कृष्ण सर्वप्रथम अपना पिता माता को उन्होंने चरण को स्पर्श किया। स्पर्शक शिक्षा कृष्ण क्या देते हैं? कृष्ण शिक्षा ये देते हैं, सबसे पहले किसकी चरण पूजा करनी चाहिए। कितना प्रात उठ रघुनाथा और मात गुरु नमहि माता। ठाकुर जी सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता की चरण छुआ करते थे। कौन कौन छूते हाथ उठा? कोई नहीं छूते। इसलिए सबके अगर सास ससुर हो, पिता माता हो, सबसे पहले उनकी चरण छूनी चाहिए। भगवान राम भी, यहाँ पर भगवान कृष्ण भी देवकी वसुदेव को उन्होंने सर्वप्रथम उनकी चरण को स्पर्श की। फिर उन्होंने बच्चों को प्यार दिया, फिर पत्नियों को साथ में, लास्ट में उन्होंने पत्नी को साथ में ठाकुर जी मिले। कृष्ण यही सिखा देते हैं। लेकिन कृष्ण तो एक थे, लेकिन जब कृष्ण जा रहे हैं, रुक्मिणी देख रही है कृष्ण मेरे साथ में, सत्यभामा देख रहे हैं कृष्ण मेरे साथ में, मित्रविंदा देख रहे थे कृष्ण मेरे साथ में, सबके सब अलग अलग रूप में देख रहे हैं। और भगवान अंदर में प्रवेश किया। अभी 7 महीना हो गया, अभी तक अर्जुन नहीं आ रहा है। एक दिन युधिष्ठिर महाराज बड़े अपशकुन उन्होंने देख रहे थे, इतने में देखा अर्जुन को आते हुए पूरा चेहरा उतरा हुआ अर्जुन का। युधिष्ठिर महाराज मुझे, अर्जुन क्या तेरे को किसी ने रास्ता में परास्त कर दिया? ना बिना भोजन कराए तुमने भोजन कर लिया, क्या बात है, क्या बात है? अर्जुन ने कहा, प्रभु भगवान कृष्ण ये जगत छोड़ करके चले गए। जब छोड़ करके चले गए, उसी समय में कृष्ण ने कहा, ये महिषियों को तुम अपना हस्तिनापुर ले जाओ, मैं जाने का बाद ये समुद्र द्वारका को डुबो देगा। मैंने ये महिषियों को लेकर के आ रहा था, इतने में कहां से ग्वालिया आए, हमको लठिया दिखा करके भगा करके ले गए। और जिस गांडीव को ताकत पर एक दिन संपूर्ण पृथ्वी को मैंने जय की, वो गांडीव उठाने की कोशिश की तो मेरे से गांडीव नहीं उठा। अभी प्रश्न है, बीच में ये ग्वालिया कौन है? बोले, ये ग्वालिया और कोई नहीं, ये महिषियों के हृदय में भावना थी। कभी किया हम ब्रज में गोपी रूप में कृष्ण को क्या प्राप्त कर पाएंगे? कृष्ण स्वयं ग्वालिया बनकर के आए और महिषियों को वहां से ले गए। इतने में अर्जुन एक एक बात को स्मरण कराते कराते रो रहा था। बोले, भैया हमको याद है। बोले, किस चीज? बोले, जिस समय आप जुआ खेल रहे थे, पहले तो आपने धन रत्न को दाव पर लगाया, उसको भी कपट जुआ से शकुन ने जीत लिया। फिर जब राज्य चला गया, फिर भाइयों को भी एक एक कर अपने जुआ में लगा दिया, वो भी कपट जुआ में अपहरण कर लिया। दुर्योधन ने कहा, अभी आपके पास में सबसे बड़ी संपत्ति। बोले, कौन? बोले, द्रौपदी। उन्होंने अपना द्रौपदी को उन्होंने दांव पर लगा दिया और उनको द्रौपदी को भी उन्होंने जीत लिया। इतने में दुर्योधन ने कहा, दुशासन, अभी द्रौपदी राज रानी नहीं, अभी हमारी दासी, जा उसको पकड़ करके ले आओ घिसटते हुए।
उसी समय में वे रजस्थल अवस्था में थी और दुशासन केस पकड़ करके घिसड़ कर लिए भरी सभा में ले आए और दुर्योधन बारंबार जंघे पीट पीट कर कह रहा था इसको उलग्न करके मेरे जंघे के ऊपर में बैठा दो। उसी समय में द्रौपदी आंख फाड़ फाड़ करके देख रही थी मेरे पांच पांच पति कोई तो कुछ ना कुछ बोलेगा लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा। उसको बाद में फिर उन्होंने पितामह भीष्म के तरफ में देखा अगर एक बोली वो निकल जाए मुंह से किसका हिम्मत नहीं उनको विवस्त्र करे। पितामह भीष्म भी मुंह लटका करके बैठे हुए थे। श्री कहते श्री द्रोणाचार्य और श्री कृपाचार्य वहां पर सबके धृतराष्ट्र सब बैठे हुए थे कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। जब किसी ने रक्षा नहीं की लास्ट में उन्होंने दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हरी हे कन्हैया हे कृष्ण तेरी सिवाय जगत में और कोई मेरे लाज नहीं बचा सकता है। जब दोनों हाथ उठा करके उन्होंने भगवान को बुलाया ठाकुर जी स्वयं वस्त्र रूप में ठाकुर जी प्रकट हो गए। इसलिए 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गई लेकिन 10,000 समाप्त नहीं हुई। देखो ये चीज को अच्छे तरह से समझ लो ये बात स्वयं द्रौपदी ये कह रही है उत्तरा। बताओ तो उत्तरा कौन थी? अभिमन बेटा की बहू अभिमन की बहू। देखो अच्छे तरह से शिक्षा लेकर के जाओ ये द्रौपदी स्वयं कहती है बोले उत्तरा अगर किसकी शरण में जाना है ना केवल कृष्ण शरण में जा ये मेरा आजमाया हुआ जीवन में आजमाया हुआ चीज है। अगर किसी स्त्री का एक पति अगर धनवान हो ना ताकतवान हो नामवान हो उसकी पत्नी बड़े अहंकार से चलती है अरे मेरे पति ऐसे है हमारा पति ऐसे है। लेकिन द्रौपदी कहती है मेरे पांच पांच पति कितने पति कहते सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम सर्वश्रेष्ठ तलवार युद्ध में कौन है युधिष्ठिर और तलवार युद्ध में नकुल सहदेव भाला युद्ध में युधिष्ठिर लेकिन इनकी पांच पांच महारथी। लेकिन जब विपत्ति आई कोई पति काम में आए पति कोई काम में आए गुरु वर्ग कोई काम में आए कोई काम में तुम्हारी नहीं आएगी लास्ट में भले ही जगत में जितने तुम्हारी कुछ क्यों नहीं हो लेकिन काम में आए तो कौन लास्ट में काम में आए बस एक मुरली वाले काम में आए। इसलिए हम भले ही तुम जितने अभिमान करो भैया लास्ट में तुम्हारी कोई काम में आने वाले नहीं। ये कह रही है खुद स्वयं द्रौपदी कह रही है उत्तरा को बोले बहू इसलिए तुमको ये बात मैं बता रहा हूँ कृष्ण शरण में जा केवल वही तुम्हें रक्षा करने वाले। और एक चीज को समझो हमारी जो भक्ति है ना बहुनिष्ठ भक्ति नहीं होनी चाहिए एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए। एक दिन द्रौपदी कृष्ण से बोली बोले कृष्ण जब दुशासन मेरी वस्त्र हरण करना चाह रहा था मैं तेरे को बड़े देर से बुला रही थी लेकिन तुम आने में इतने देर क्यों लगा। कृष्ण ने कहा देखो द्रौपदी तुमने हृदय से ना एक बार ही मेरे को बुलाया बुलबुल एक बार जब से मेरे को घिसटते हुए ला रहा था उसी समय से बुला रही थी। बोले द्रौपदी झूठ मत बताओ सच बताओ जब तेरे पास में दुशासन पहुंचा तू क्या सोच रही थी? तू ये सोच रही थी मेरे पांच पांच पति ये मेरा क्या कर लेगा ये सोच रही थी ना? बोले हाँ। बोले जब तुमको घिसटते हुए भरी सभा में लाए मैं तो आधा रास्ता तक आया था तेरे को बचाने के लिए लेकिन आधा रास्ता से वापस गया। बोले क्यों? बोले मैंने देखा तुम सोच रही हो तेरे पांच पांच पति तेरे को रक्षा करेंगे जब तुम्हारी पांच पांच पति रक्षा करने वाले घर पे मैं बीच में हुआ था इसलिए मैं वापस गया। बोले द्रौपदी और तुम्हारे पास में भी आया था लेकिन तब भी मैंने वापस गया। बोले क्यों? बोले जब तुम्हारे पांच पतियों ने रक्षा नहीं की तुम सोच रही थी धृतराष्ट्र रक्षा करेंगे भीष्म द्रोणाचार्य रक्षा करेंगे तू सोच रही थी कि नहीं? बोले हाँ ये भी मैं सोच रही थी। बोले जब तुमको इतने सारे लोग रक्षा करने वाले फिर मैं बीच में क्यों आता इसलिए मैं वापस गया। बोले द्रौपदी एकदम पास में आ करके भी मैंने वापस गया। बोले क्यों? बोले जब तुमको कोई नहीं रक्षा की तुम स्वयं अपने कपड़े को पकड़ के रखी थी और दांत को नीचे कपड़े दबा करके रखी थी वो ये सोच रही थी मैं थोड़ी साधारण घर की बेटी थोड़ी है मैं तो धृष्टद्युम्न और द्रुपद राजा की मैं बेटी अग्नि से मैं प्रकट हुई मेरे पांच पांच पति में वीर रमणी मैं स्वयं को स्वयं में रक्षा कर सकती। जब तो बोले तुम स्वयं को स्वयं तुम रक्षा कर सकती हो फिर मैं बीच में क्यों आता इसलिए मैं द्रौपदी वापस गया।
लेकिन जब तुमने देखा कोई भी मेरे पर क्या करने वाले नहीं, कोई भी नहीं, जब तुमने दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद नाथ शरण आपका जीवन हरि है कन्हैया, तेरी सिवाय और मेरे को कोई भी रक्षा करने वाले नहीं, इसलिए हाथ क्यों उठाते हैं? इसका मतलब है ऊपर वाले, हाथ उठाना मतलब क्या है? ऊपर वाले, तेरे सिवाय जगत में मेरे कोई रक्षा करने वाले नहीं, इसलिए हाथ ऊपर उठाते हैं। उसी समय में स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट होकर के तेरे को मैंने रक्षा की। इसलिए भक्ति एक अनिष्ट होनी चाहिए, बहुनिष्ठ अगर भक्ति करोगे वो रक्षा करेगा, वो रक्षा करेगा, वो देवी पूजा करके वो देवता, भैया कृष्ण तो तीन जगह से पहले ही टेढ़े हैं, अगर तुम सीधा बनोगे ना फिर तो सीधा बन जाएंगे, अगर तुम स्वयं टेढ़ी बनोगे वो स्वयं पहले से टेढ़े है ही, वो टेढ़े है ही। इसलिए एक अनिष्ठ करो भगवान को, केवल मेरा तो गिरिधर गोपाला दूसरा ना, हाँ ये चीज को हृदय में धारण करो, नहीं तो बीच में कोई नहीं आएगा रक्षा करने के लिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए उन्होंने एक एक गुण को स्मरण करते हुए रो रहे थे, जब ये बात को मैया कुंती ने सुनते ही अपना शरीर त्याग दे दी, पंच पांडव भी श्री परीक्षित महाराज को राज्याभिषेक करते हुए पंच पांडव भी महाप्रयाण में वो भी चले गए। फिर उसको बाद में फिर किया हुआ, फिर हम कल से फिर श्रवण करेंगे, इसलिए आज कथा में हम यहीं विश्राम देते हैं। लबाच्छा कलम करो वैसा कृपा से आज तो मैं चाह रहा था हमारे बहुत सारे भक्तों को बुलाने के लिए, लेकिन इस तारीख में ना यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आज इसमें मेरे को क्लास देने का था 8:30 से लेकर 9:30 तक, इसलिए मैंने सोचा अगर मैं चला जाऊँ फिर आप लोग भी चले जाओगे, इसलिए हमारे से बच्चे लोगों को बोलने का कल ये सब कैसे भक्त लोग ये बोलेंगे कल, और देखो हम लोग इसलिए हम लोग जन्माष्टमी के उपलक्ष्य करके ये भागवत कथा हमने प्रारंभ की है। हम लोग कोशिश करेंगे जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी को मनाने के लिए, कृष्ण जैसे भगवान कृष्ण ठीक रात 12 बजे जैसे कृष्ण प्रकट हुए, हम भी यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर कथा बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन करेंगे, कीर्तन करके उस दिन थोड़ी सी कथा को थोड़ी लेट में शुरू करेंगे, जैसे ठीक 11:30 बजे तक कथा विश्राम हो, उसको बाद में ठाकुर जी का हम अभिषेक करेंगे, अभिषेक करके उसको बाद में फिर सभी के लिए प्रसाद की फलाहार की, उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी है फलाहार की व्यवस्था करेंगे। जो लोग शरीर में कोई रोग नहीं, जो सुस्त लोग हैं, आप लोग कोशिश करना 12 बजे तक बिना खाए पिए रहने के लिए, अगर रह सकते हो अच्छी बात, अगर जो नहीं रह सकता है फिर जैसे आप फलाहार करना बात थोड़ी सी जूस लेकर रह सकते हो, लेकिन जो पूरा के पूरा हैं 12 बजे तक बिना खाए पिए रहोगे ना, बस ठाकुर को जो मांगोगे ठाकुर जी वही दे देंगे, ठाकुर जी वही दे देंगे। और विरह में ठाकुर एक दिन कब कृष्ण प्रकट होगी, कब कृष्ण प्रकट होगी, विरह है एक दिन ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में ही ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे ठाकुर जी। अगर रात 12 बजे तक अगर कुछ बिना खाए पिए रहे तो ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं जैसे हम लोग जगन्नाथ जी रथ यात्रा निकालते थे प्रोसेशन निकालते थे, अभी हम लोग कोशिश करेंगे हम जा करके आदेश लेने के लिए क्या हम लोग जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हैं हम लोग क्या यात्रा निकाल सकते, अगर आदेश मिलेगा तो, जैसे हर साल जैसे हम लोग जगन्नाथ जी रथ यात्रा निकालते थे इस बार भी कोशिश करके बड़े धूमधाम से भगवान की रथ यात्रा निकालने के लिए। हाँ और एक चीज है कल मैं बताऊंगा और क्या है, एक बहुत ही बात है कल मैं बताऊंगा ठीक है। अभी हरे कृष्णा, हाँ हमारे बलरामपुरम कहाँ गए, बलरामपुरम है जल्दी आ जाओ। हाँ देखो ये जो कथा है, देखो ध्यान देखो सुनो, ये जो रोज रोज ये प्रसाद हो रहा है ये आप लोग से ही लेकर के हम लोग आपको ही दे रहे हैं, क्योंकि हम तो संत लोग हैं इसलिए आपसे लेकर के आपको हम दे रहे हैं। इसलिए अगर किसकी सुविधा कुछ हो, जैसे कुछ आटा भी दे सकते हैं, कुछ चावल भी, कुछ तेल भी, कुछ सब्जी भी दे सकते हो,
अरे हम कोशिश करेंगे रोज रोज बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाने के लिए। आज भी बहुत बढ़िया पेठे का सब्जी बनी, अरे छोले आलू दे करके सब्जी बनाई और गर्म गर्म पूरी भी बनाई। इसलिए हम कोशिश करेंगे अगर आप लोग दोगे अरे आप लोगों को के ही बढ़िया से बढ़िया प्रसाद बना करके हम देने से कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। एक बार जरा एनर्जी इकट्ठी कर लो फिर बताऊंगा। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसा कि अभी गुरुदेव ने बताया यहाँ कथा के उपरांत हर रोज ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद आप सबको में वितरित किया जाता है। उसी प्रसाद के लिए आप सभी का सहयोग हमें मिलता है तब हम ये सेवा कर पाते हैं। आज की सेवा में भी जो मिठाई की सेवा दी है वो हमारे प्रभु जी ने आप आगे आते हैं इन प्रभु जी की तरफ से आज मिठाई की सेवा दी गई है। और बीच में भी किसी ने गुप्त रूप से, हम कोई भी नहीं थे, अंदर रसोई घर में बहुत लोग आटा रख के चले गए हैं, उनके लिए भी आप ताली बजाएं। और जितने भी बच्चे लोग हैं उन सब से मेरी प्रार्थना है कि जिस तरह से अब से 2 साल पहले हम सब ने यहाँ पर फूल बंगला लगवाया था उसी तरह से इस बार हम सब आप सब के साथ मिलके ये फूल बंगला बनाएंगे। जो भी बच्चे लोग इसमें सेवा देना चाहते हैं, देना क्या चाहते हैं बल्कि उन्हें देना चाहिए, उस सब के सब कथा के प्राण वो मुझसे मिले। हम सब मिलके कल से ही ये तैयारी शुरू कर देंगे और इस मंदिर को खूब अच्छे से सजा देंगे। हरे अच्छा कुछ तो मन में तरक उठ गई होगी। कौन कौन बच्चा हाथ सेवा करना चाहते हैं इसमें? सब हाथ उठा के बोलो। इसमें फूल को सजाना है, प्रभु जी को मदद करना है, फूल को सुंदर रूप में सजाना। ठीक है बच्चों, देखो भगवान का जन्मोत्सव है ना, ठाकुर जी सब देख रहे हैं। अगर आप अपना सेवा करोगे तो ठाकुर जी बढ़िया बढ़िया फल देंगे, भक्ति देंगे और विद्या भी बढ़िया मिलेगी। और हमारे जो सब्जी प्रभु देने वाले, देखो क्या नाम प्रभु जी, उन्होंने बोले जिस दिन कोई सब्जी नहीं देगा सारी सब्जी का दायित्व मेरा है, सारे सब्जी नहीं देगा। उधर से दूरी ही प्यारी लगे, ब्रज मंडल मां बसाए रहो, जग जान सदा भी बजाए रहो।
जीवन में आनंद की आनंद सुख समृद्धि बढ़ रही है। जो लोग इस बात को मानते हैं ठाकुर जी को प्रेम दिए वो बड़े होकर के ठाकुर जी को नेत्र कर ले जाएंगे।
बढ़िया से नाच लो, भूख बढ़िया लगेगा, प्रसाद भी आ जाएगा। बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल रुक जाओ ये।